Hello guys, welcome to the revision class of EM Waves, Polarization and Communication System by Vidyamandir Classes. My name is Jitin Gupta. And guys, class ka jo sort of pattern rahega yahan pe revision ka, wo aisa rahega ki pehle part mein main EM Waves ke basics bataunga, revise karaunga. Main results derive nahi karne wala. Alright, so I will just tell you the results. कि क्या क्या चीजें अपने को पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, एंड फिर उन बेसिक्स को यूज करके आई विल सॉल्व अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो ये पहला पार्ट होगा ई एम वेव्स के रिगार्डिंग. सेम पैटर्न फॉलो होगा पोलराइजेशन के लिए. पोलराइजेशन के मैं कुछ बेसिक्स बता दूंगा और फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, एंड देन लास्टली कम्युनिकेशन सिस्टम्स. कम्युनिकेशन सिस्टम्स के भी मैं जो बेसिक्स, पूरा चैप्टर मैं नहीं रिवाइज करने वाला गाइस कम्युनिकेशन सिस्टम का. मैं सिर्फ वही सारी चीजें रिवाइज कराने वाला हूँ, वही कंसेप्ट रिवाइज करने वाला हूँ जिनके रिगार्डिंग जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं. राइट, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर वेरी रिलेवेंट टू जस्ट बोर्ड के लिए हमें रट के जानी है. तो अगर आपको थोरो रीडिंग करनी है कम्युनिकेशन सिस्टम्स की, तो आई विल रिकमेंड कि एनसीईआरटी पढ़ लें, और उसके अंदर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उसको हम एग्जाम से पहले याद करके चलें. बट रिगार्डिंग ऑल द क्वेश्चन जो जेई मेंस में आते हैं, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो जेई मेंस में आते हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें कवर हो जाएं इस रिवीजन सेशन में. तो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट. तो गाइस, पहली चीज जिस पे मैं बिफोर आई गेट इनटू ईएम वेव्स मैं बात करना चाहता हूं, वो है मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. एंड गाइस, मैं स्पेशली मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वैक्यूम के अंदर देखना चाहता हूं फर्स्ट, कि वैक्यूम के अंदर ये इक्वेशंस क्या है. तो फिर For example, the first Maxwell equation is Gauss law for electric field. Gauss law for electric field is कि flux of electric field through a closed surface, integral E dot dA over a closed surface, that is equal to the charge enclosed by the surface divided by epsilon. यहाँ पे epsilon naught इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं vacuum के अंदर ले रहा हूँ. Medium होता तो फिर मैं आपको मैं epsilon लगाया था, permittivity of that medium, but मैं permittivity of free space use कर रहा हूँ. Okay. Second Gauss law है. Second is the Gauss law for magnetic field. अब Gauss law for magnetic field क्या है? Gauss law for magnetic field है कि magnetic field का flux over a closed surface वो कितना होता है? कि अगर मैं integral B dot dA करता हूँ over a closed surface, तो वो zero आता है. और इससे हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट आए थे कि magnetic field lines form a closed loop, magnetic monopoles do not exist, magnetic हमेशा डायपोल ही होगा कि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करेंगे साथ में, सिर्फ एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये सारी चीजें हमारे अभी के जो डिस्कशन है उनके लिए ज्यादा रिलेवेंट है नहीं. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के लिए ज्यादा रिलेवेंट है. हमारे लिए जो दो मैक्सवेल इक्वेशंस जो अभी के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, फर्स्ट वन इज द एम्पियर सर्किटल लॉ. एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है गाइस? कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल की मैग्नेटिक फील्ड का एक क्लोज्ड लूप पे लाइन इंटीग्रल में अगर निकालता हूं, तो वो जो वैल्यू आ जाती है वो होती है म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी. म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी. आई सी क्या है? आई सी है कंडक्शन करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप. ये हमारा जो नॉर्मल करंट, जिसकी हम यूजुअली जब मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं कंडक्शन करंट की बात कर रहा हूँ, जो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से वायर्स के अंदर आता है, वो हमारा कंडक्शन करंट होता है. एक और नए तरीके का करंट हम देखते हैं विच इज आई डी. और ये किस टाइप का करंट है? ये डिस्प्लेसमेंट करंट है. ये किस वजह से आता है? ये आता है स्पेशली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये करंट आता है बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. राइट, कि कोई एक सर्फेस है उसके थ्रू फ्लक्स चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो मैं एक नए तरीके का करंट एक डिफाइन कर सकता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट. एंड इसकी वैल्यू फ्री स्पेस के अंदर देख रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. और जो सेकेंड इक्वेशन है मेरी, सेकेंड इक्वेशन इज द फैराडेज लॉ, जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है. दैट इज द फैराडेज लॉ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, कि इंटीग्रल ई डॉट डी एल ओवर अ क्लोज लूप, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट
थ्रू द एरिया ऑफ दैट लूप, ऑलराइट, कि अगर यहाँ पे कोई एक लूप है उसके थ्रू फ्लक्स चेंज कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, उसका फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है उसकी कुछ वैल्यू आ जाए. तो ये दो जो इक्वेशन है हमारे पास, इन पे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं बिफोर वी गेट इन टू दी ई एम वेव्स. मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ. तो द इम्प्लीकेशन फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास क्या है गाइस? पहली इक्वेशन जो है, दैट इज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी बाय आई डी, विच इज द कंडक्शन करंट प्लस द डिस्प्लेसमेंट करंट. नाउ गाइस, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके ऐसे लिख रहा हूँ कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी. मैंने आईसी को उड़ा दिया यहाँ पे. आईसी को क्यों उड़ा दिया? क्योंकि मैं अभी वैक्यूम की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि स्पेस में कुछ नहीं है, कोई वायर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो अगर कोई वायर नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास जो कंडक्शन करंट है वो नहीं हो सकता ना. कोई वायर ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं कर. तो मेरे पास बस एक ही टाइप का करंट है वहां पे, वो ये वाला करंट है आईडी. और फिर मैं लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आईडी. और आईडी की बात हमने थोड़ी देर पहले की थी. आईडी इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी. ये गाइस मैं प्रूव नहीं करने वाला हूँ. ये हम द एक्चुअल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ जब पढ़ते हैं उसमें डिस्कस करते हैं. बट अभी के लिए मान लो, अगर इतना हम मान के भी चलेंगे कि आईडी ये होता है, तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ऑलराइट, तो मेरे पास आ जाएगा कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आईडी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी. एंड फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और मैं फ्लक्स को गाइज यहाँ पे मैं सिंपली ई इंटू ए लिख रहा हूँ, जो बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन है इस चीज की. फ्लक्स इज नॉट दिस, फ्लक्स इज इंटीग्रल ई डॉट डी ए. ये तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया फ्लैट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल है. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है. तो बट मान लेते हैं कि अभी के लिए सारी कंडीशंस, मैं एक जस्ट छोटा सा व्यू पॉइंट देने की कोशिश कर रहा हूँ. ऑलराइट, तो मेरे पास अगर ये आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे जो मैं फ्लक्स को अगर ऐसे लिख पाऊंगा, तो मैं एक बार ये वाली चीज को और इस चीज को, जो दोनों सेम ही है, इनको एक साथ लिख देना चाह रहा हूं इन दिस इक्वेशन, कि मेरे पास थोड़ा बहुत फेरबदल करके मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप, वो क्या है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी ई बाय डी टी. यहां पे एक बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है. क्या ऐसे सोचते हैं इस इक्वेशन में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो फिर यहाँ पे ये dE by dt नॉन जीरो आ जाएगा, dE by dt नॉन जीरो आ जाएगा, तो मेरा राइट हैंड साइड नॉन जीरो हो जाएगा. और अगर मेरा राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, तो मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी नॉन जीरो होगा. और लेफ्ट हैंड साइड नॉन जीरो है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती. मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी तो फिर लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा और राइट हैंड साइड नॉन जीरो. तो मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस के अंदर, तो वो पक्के से बोल रहे हैं कि फिर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. तो यहां पे हमें एक इम्प्लीकेशन मिलती है, और वो क्या इम्प्लीकेशन है गाइस, कि मैं लिख देता हूं यहां पे कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस, टू क्रिएट, यहां पे टू प्रोड्यूस से बेटर रहेगा, टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. तो मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है. सिमिलरली अगर मैं फैराडेज लॉ पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ यहाँ पे गाइस, लेट मी जस्ट, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि इंटीग्रल ई डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ माइनस आई, मतलब माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर टाइम. फिर से मैं ये एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि हाँ यार, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया फ्लैट है. तो फिर मैं लिख पा रहा हूँ कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा अज्यूम कर लिया है यहाँ पे. ऑलराइट, बट बहुत सारी अजम्पशन है. बट मेरे को एक बस मेन आइडिया एक यहाँ पे वो करना है, प्लेस करना है, कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ए डॉट डी बी आ जाएगा, सॉरी माइनस ए इंटू डी बी बाई डी टी आ जाएगा. तो अब मैं फिर से इन दोनों को साथ में क्लब करके लिख देता हूँ, इस चीज को और इस चीज को यहाँ पे क्लब करके लिख देता हूँ साथ में. और ये क्या बता रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखते हैं, कि अगर ये राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो क्या होगा? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो राइट हैंड साइड नॉन जीरो होगा.
और अगर राइट हैंड साइड नॉन जीरो होगा तो फिर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड भी नॉन जीरो होगा। लेफ्ट हैंड साइड नॉन जीरो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। तो अगर मेरे पास स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो मेरे पास यहाँ पे एक और रिजल्ट आ गया है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास अब एक जो बेसिक आइडिया आ गया कि अगर मेरे पास एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है कि टाइम के साथ ऑसिलेट करिए, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस के अंदर और ये हर पॉइंट पे फ्लक्चुएट कर रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रही है तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपने आप ही टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रही है और वही टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आगे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है और ये जो चीजें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ये एक दूसरे को क्रिएट करते हुए जा सकते और इनको कोई और नहीं चाहिए दुनिया के अंदर। तो ये चीज आगे दुनिया के अंदर प्रोपोगेट कर सकती है अपने आप ही विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ मीडियम एंड इस टाइप के प्रोपोगेशन को हम बोलते हैं ईएम वेव प्रोपोगेशन। इसके बारे में मैं और ज्यादा डिटेल में बात कर सकता हूँ गाइस और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ट्राई टू जस्ट इमेजिन दिस, मैं एक बेसिक फील देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इम्प्लीकेशंस क्या हैं बिफोर आई गेट इनटू ईएम वेव। तो मेरे पास अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ऑलराइट, सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ रफ वो, ठीक है, एंड ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। बट आई होप, आई डोंट थिंक इससे हमें कोई वैसे एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है तो मैं इसको वैसे ही रख देता हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द इक्वेशन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट कर सकते हैं और वो चीज आगे प्रोपोगेट कर सकती है स्पेस के अंदर। तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन मूव अक्रॉस द मीडियम, सॉरी मूव अक्रॉस द यूनिवर्स विदाउट एनी मीडियम, उनको मीडियम की जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे को क्रिएट करते हुए आगे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो अब मैं बात करना चाह रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियरली पोलराइज्ड ईएम वेव। अब लीनियरली पोलराइज्ड पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता मैं। लीनियरली पोलराइज्ड का मतलब मेरे क्या है कि गाइस जस्ट मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, लीनियरली पोलराइज्ड नाम से थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेट मी जस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट अलोंग अ सिंगल लाइन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, या फिर मल्टीपल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट नहीं कर रही है, और या तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक लाइन के अलोंग ऑसिलेट कर रही है, मल्टीपल डायरेक्शन में ऑसिलेशन नहीं हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ठीक। तो अगर ऐसा केस है गाइस, अभी आई डोंट थिंक यू शुड फोकस ऑन द लीनियरली पोलराइज्ड पार्ट बहुत ज्यादा क्योंकि हम पोलराइजेशन की बात करने भी वाले, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास ऐसी ईएम वेव एग्जिस्ट करती है और वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन यूजुअली अगर साइनोसॉइड लिया, आप ये भी लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं किसकी बात करने वाला हूँ, साइनो साइन वेव की बात करने वाला हूँ, साइन वेव मतलब जो वेरिएशन है वो साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है। बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं गाइस, हम बस अपने सिलेबस में सिर्फ साइनोसॉइडल ईएम वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी कि सिर्फ साइन की बात क्यों कर रहे हैं, दूसरे क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज द ओनली पार्ट दैट वी हैव टू कंसर्न इज विद इज द साइनोसॉइडल पार्ट। तो मैं यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहा हूँ, दीज आर द ईएम वेव फंक्शंस। ये बेसिकली मुझे ईएम वेव इक्वेशन बोल देते हैं इसको, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। बट गाइस अमेजिंग है कि हमें क्वेश्चन क्या आता है यूजुअली एग्जाम में कि हमें ये चीज दे रखी होती कि एक कोई फंक्शन दे रखा होता है और पूछा होता है कि ये वाला बताओ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन दे रखा होता है और पूछा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो ये मेजोरिटी ऑफ द हमारे क्वेश्चन। तो हमें अगर एक भी फंक्शन पता है कि इफ वी नो एनी वन ऑफ द फंक्शंस वी
can find the other one. कि अगर हमें एक भी फंक्शन पता है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं और वो हम देखेंगे भी कैसे निकलेगा, ठीक है. बट कैसे निकलेगा उसके लिए पहले हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स देखनी पड़ेगी. तो हमारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स हैं वो सिंपल हैं, चार प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे. फर्स्ट चीज इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ ऑसिलेट इन द सेम फेज. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो साइन के अंदर ये जो एंगल है या आर्ग्यूमेंट है इसको ऐसे बोल देते हैं, तो ये दोनों के लिए सेम होगा. यहाँ पे देख सकते हो दोनों में मैंने सेम रखा है, तो इसको फेज बोलते हैं. ये जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड दी फेज एंगल, ठीक है. तो जो फेज एंगल है वो दोनों के लिए सेम होगा. अगर एक के लिए मेरे पास के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है तो दूसरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड वाले फंक्शन के लिए भी होगा. अगर एक के लिए के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सेम होगा के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस. तो आधा पार्ट तो यही पे हो गया ना कि साइन वाला जो पार्ट है, अगर मुझे एक फंक्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का और साइन वाला पार्ट पता है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाला पार्ट सेम हो जाए. तो आधा क्वेश्चन तो यही हो गया. ऑलराइट, ठीक है. नेक्स्ट चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसको ध्यान से देखना है गाइस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स. ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब क्या है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर इज द डायरेक्शन या वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव वेलोसिटी. तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सी क्या होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, तो इसको बोल सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ऑलराइट, ठीक है. तो अब मैं यहां पे तीन चीजों को लिंक कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये ईएम वेव्स ट्रांसवर्स वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. और यहाँ पे रिलेशन क्या है, ये रिलेशन भी याद रखना है गाइस, और इससे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे बस इतने और पार्ट से कि ए कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू सी कैप. जैसे होता है ना आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, वैसी फीलिंग है यहाँ पे भी कि ए कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू सी कैप. अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक वेव है जो एक प्लेन के अंदर ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही होगी उस प्लेन के अंदर, तो फिर हमारे पास जो सी जो वेव किस डायरेक्शन में आ रही है, लेफ्ट या राइट जा रही है, वो मैं ई क्रॉस बी कर सकता हूँ. आप भी देख सकते हो पॉज करके वीडियो को कि हाँ अगर मैं ई से बी की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं तो राइट की तरफ आ रही है डायरेक्शन. इज दिस क्लियर? तो ये डायग्राम इज बेसिकली टेलिंग अस कि ई और बी अगर मुझे पता मैं सी कैसे बता सकता हूँ. सिमिलरली मुझे यहाँ से और भी चीजें पता लग रही है कि मुझे ई की डायरेक्शन पता है, मुझे सी की डायरेक्शन पता है, तो मैं बी की डायरेक्शन भी बता सकता हूँ. और इसके अंदर ऐसा रिलेशन है, अगर आपको याद होगा ऐसा एक रिलेशन होता है आई कैप जे कैप और के कैप में कि अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो मेरे पास के आएगा, अगर मैं जे क्रॉस के करूंगा तो मेरे पास आई आएगा, और मैं के क्रॉस आई करूंगा तो जे आएगा. तो सिमिलर सा यहाँ पे रिलेशन है कि ई बी सी, कि अगर मैं ई क्रॉस बी करूंगा तो वो मुझे सी की डायरेक्शन देगा, अगर मैं बी क्रॉस सी करूंगा तो मुझे ई की डायरेक्शन देगा, और अगर मैं सी क्रॉस ई करूंगा तो मुझे वो बी की डायरेक्शन देगा. तो हम ये चीज याद रख सकते हैं और हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ऑफ ईएम वेव्स आंसर करेंगे. मेजोरिटी क्वेश्चंस यही आते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं. ऑलराइट, तो बस हमें ये याद रखना, ठीक है. आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ वेव, जो ये थी ना वेव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है स्पीड, तो स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम इज अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट मी नॉट की, दैट इज वन बाय अंडर रूट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये होती है गाइस, अगर नहीं पता है तो दिस इज द परमिटिविटी, वैक्यूम की परमिटिविटी, यहां पे लिखता हूं वैक्यूम, और ये होता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, एंड ये भी क्योंकि नॉट लगाए म्यू नॉट है यहां पे तो वैक्यूम की बात करते हैं, ठीक है. तो स्पीड ऑफ दिस ईएम वेव इन वैक्यूम इज वन बाय अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट. और अगर मैं किसी मीडियम की बात करता हूं तो मीडियम के अंदर गाइस फिर वो क्या हो जाता है, दैट इज वन बाय अंडर रूट ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम एंड
परमिएबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, उस मीडियम की जो भी प्रॉपर्टीज है परमिएबिलिटी और प्रॉपर्टी वो क्या कहते हैं परमिटिविटी, उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेके उसको इन्वर्स ले लोगे तो तुम्हें उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ ईएम वेव मिल जाएगी। तो हमें ये चीजें याद रखनी है गाइस, ये आई होप सबको याद ही होती है। पर मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे कि वन बाय दिस थिंग, ये जो आती है सबको पता है कि इस लाइट इज एन ईएम वेव, तो इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी याद रख सकते हो आप लोग अगर चाहते हो, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए वैसे। एंड फिर यहाँ पे कुछ मैं एक चीज कर रहा हूँ कि अगर मुझे ये स्पीड इन अ मीडियम और स्पीड इन अ वैक्यूम रिलेट करना होता है तो हम कुछ ऐसी ऐसी चीजें करते हैं गाइस कि परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज द रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज रिलेटिव परमिएबिलिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर टाइम्स परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो ये चीजें हम थोड़ा सा बस फोकस करके याद रख सकते हैं, और दो पैटर्न सेम है, बस रिलेटिव एक कुछ क्वांटिटी आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये याद रखते हैं, देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और एक और चीज है रिलेटिव परमिएबिलिटी। अगर वैक्यूम की उसके मतलब मीडियम की जो ये रिलेटिव परमिटिविटी और परमिएबिलिटीज को वैक्यूम की परमिटिविटी और परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस मीडियम की प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, बट एक अमेजिंग चीज होती है गाइस हमारे साथ कि हमारे केस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ईएम वेव ने मीडियम चेंज करा, ईएम वेव ने मीडियम चेंज करा और उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो बेसिकली हम नॉन मैग्नेटिक मीडियम की बात करते हैं। तो यूजली जब ईएम वेव के हम ट्रांसफर की बात कर रहे होते हैं फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, हम मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम एक नॉन मैग्नेटिक मीडियम का केस ले रहे होते हैं, एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर दे रखा है कि भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया और दूसरे मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी इज दिस तो हम यूज करेंगे, बट अगर कुछ नहीं दे रखा है या दे रखा है कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम या मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो मैं मानूंगा कि वो जो मीडियम है वो एक नॉन मैग्नेटिक मीडियम है। नॉन मैग्नेटिक मीडियम मतलब उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी नहीं है वैक्यूम से, ठीक है, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है कुछ अलग से स्पेशल जैसे मेटल्स की होती है। तो उस केस में मैं मान सकता हूं, और ये अच्छे से याद रखना है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी इज वन, और फिर उस केस के लिए नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए ये चीज हो जाएगी कि परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम इज सेम एज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, ठीक है। तो ग्लास के लिए अगर मैं बोलूंगा तो ग्लास के लिए उसकी जो परमिएबिलिटी है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिएबिलिटी के बराबर लेके मैं सॉल्व करता हूं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके गाइस, तो मैं अभी क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि ये जो हमने अभी ऊपर वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करी है उसका यूज क्या है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, तो जस्ट होल्ड ऑन। एंड बस मैं लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड था, अगर तुम्हें वो फंक्शंस याद हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई नॉट, ऐसे ऐसे कुछ फंक्शन थे। तो ये जो चीज है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऑसिलेशन हो रही है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले पा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और उसकी वैल्यू आ रही है ई नॉट। सेम चीज मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ई नॉट बाय बी नॉट का जो रेशियो है वो होता है स्पीड ऑफ द वेव। इज दिस क्लियर, स्पीड ऑफ द ईएम वेव। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ई नॉट बाय बी नॉट के रेशियो को सी बोल रहा हूँ गाइस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो भी तो वही आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों में अलग क्या था, मतलब यहाँ पे ई इज दिस एंड बी क्या है। अगर मैं यहाँ पे जल्दी से बी भी लिखना चाहूँ तो बी इज बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। तो जब मैं इनका रेशियो लूंगा ई बाय बी का तो ये साइन वाली टर्म्स तो कट जाएंगी और वो भी ई नॉट बाय बी नॉट आ जाएगा, और फिर मैं सीधा बोल देता हूँ क्योंकि ई नॉट बाय बी नॉट इज सी। तो यहाँ पे मेरे पास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस ई एम वेव के लिए दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द वेव। तो ये सारी चीजें, ये चार प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम चार प्रॉपर्टी याद रख लेंगे तो आई थिंक 75 to 85 मान लेते हैं 85% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ ईएम वेव हम इजिली कर लेंगे, ठीक है।
इजीली, मतलब फ्री के मार्क्स लगने लगेंगे 2 मिनट बाद. ओके, तो करने शुरू करते हैं गाइस. लेट्स डू सम क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. तो गाइस आई विल एनकरेज कि 1 मिनट पॉज करो, 2 मिनट पॉज करो वीडियो को और जल्दी से खुद से सॉल्व करो ये क्वेश्चन. ठीक है, सो आई होप गाइस आप लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन. अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी वेक्टर इज बी नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी जे कैप. गाइस मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ जिन लोगों को वेव मोशन का फंडा क्लियर नहीं है. अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ कोई वेव है जिसकी कुछ नहीं वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जब ये ओमेगा टी और के एक्स यहाँ पे ये माइनस साइन आया था तो इसका मतलब सीधा होता है कि दिस इज अ वेव प्रोपगेटिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है एक्सिस की. अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स अगर पॉजिटिव आ जाता है यहाँ पे तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो वेव है अगर दोनों के साइन सेम है, पॉजिटिव नहीं बोलना चाहूंगा मैं एग्जैक्टली बट दोनों के साइन सेम, ओमेगा टी वाला टर्म और जो के एक्स वाला टर्म है अगर उनके साइन सेम है तो मैं बोलूंगा वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए, वेव प्रोपोगेटिंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स. ऑलराइट, नेगेटिव तो अगर ऑपोजिट है साइन तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, अगर नेगेटिव है साइन मतलब सॉरी उल्टे है साइन ऑपोजिट है साइन तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है. ये चीज याद रखनी है अगर नहीं क्लियर है. ऑलराइट, ठीक है, तो ये चीज हम याद रख के हम क्वेश्चन फिर से वापस आते हैं. सॉरी क्वेश्चन बीच में छोड़ के मैं रैंडम बकवास करने लग गया, बट ठीक है. बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी जे कैप. तो यहाँ पे मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि बी वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है वो बी नॉट है और साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी जे कैप, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस आर्ग्यूमेंट को देख के जो साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट है वो मुझे बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव या सी कैप बोल देते हैं, वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज गाइस माइनस आई कैप. कैसे लगाया दिमाग, मैंने पहले बोला था के एक्स और ओमेगा टी की डायरेक्शन क्या है, सॉरी डायरेक्शन बोल रहा हूँ, साइन सेम है, साइन सेम है तो मतलब वो जो वेव है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है. नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को यूजुअली मैं आई कैप से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप. तो सी कैप की वैल्यू माइनस आई कैप आ गई. और ये जो बी वेक्टर है इसका खुद का यूनिट वेक्टर भी तो दे रखा है ना यहाँ पे जे कैप. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, डायरेक्शन इज जे कैप. तो मैं लिख सकता हूँ कि यार बी कैप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जे कैप. तो खत्म कहानी. ठीक है, तो मुझे अब पहले तो बताना है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बताना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन में पहले तो मुझे उसका एम्पलीट्यूड बताना है, फिर मुझे आर्ग्यूमेंट बताना है साइन के अंदर जो मुझे ऑलरेडी पता है वो है के एक्स प्लस ओमेगा टी, और फिर मुझे उसकी डायरेक्शन बतानी है. ठीक है, तो ये चीज मुझे निकालनी है, ई नॉट निकालना है और ई कैप निकालना है. ई नॉट मेरे पास सीधा निकल जाएगा, ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी giving me E naught is equal to B naught by C. तो अब बस एक information है जो मेरे पास नहीं है यहाँ पे, और उसके लिए मैं क्या करूंगा इस, do you remember मैंने एक साइकिल की बात करी थी आप, कौन सी साइकिल, चलाने वाली नहीं ये वाली E B C. alright, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा B और C का क्रॉस पढ़ लूंगा, B से C जाऊंगा. तो मैं लिखूंगा B cap cross C cap is E cap. तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा B कैप वॉज J कैप क्रॉस माइनस I कैप. गाइस J क्रॉस I यूजली क्या मतलब J क्रॉस I इज माइनस K कैप, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस I ले रखा है तो माइनस ऑफ माइनस K कैप क्या बन जाएगा K कैप. तो मेरे पास डायरेक्शन आ गई. अब मैं फाइनली फंक्शन लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बी नॉट टाइम सी विच इज द एम्पलीट्यूड साइन ऑफ उसका आर्ग्यूमेंट के एक्स प्लस ओमेगा टी एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इज ए कैप. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया गाइस, यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लो. तो बी नॉट सी साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी के कैप एग्जैक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला, दिस इज द करेक्ट. ऑलराइट, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, चेक कर सकते हो. तो आई होप गाइस सबने जिन्होंने पॉज करके खुद से करा था दे ऑल गॉट द सेम आंसर.
बट ये इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आधे से ज्यादा बच्चे अटक जाते हैं कि ये क्या अमेजिंग हो गया, अभी तो kx plus omega t चला था, यहाँ पे कुछ अमेजिंग होने लग जाएगा। अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट हैज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है गाइस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज गिवन एंड इज प्रोपगेटिंग अलोंग द डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप रूट टू, इट इज पोलराइज अलोंग द के कैप डायरेक्शन, द एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। अब ये इजीली आंसर कर सकता हूं मैं, बट मैं पहले इजी आंसर से पहले आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन का क्या मतलब? अब यू कैन आस्क मी कि भैया पहले जो लिखी थी वो जनरली थी, वो थी जनरल, बट वो थी जब वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है या नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। जरूरी थोड़ी है कि सारी वेव्स पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स में जाएगी, कोई रैंडम भी तो जा सकती है, कुछ एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन के अलोंग जा सकती है, कोई मतलब कुछ Z और Y के कुछ कॉम्बिनेशन के लोग जाते हैं। तो इन जनरल जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कि जो पहले हमने बात करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वाई नॉट, और B के लिए भी लिख लेते हैं लगे यार, तो ये B नॉट साइन ऑफ के एक्स और यहाँ पे E कैप एंड माइनस ओमेगा टी सेम वो है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी कैप। सो दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर वेव प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। द जनरल इक्वेशन इज, एंड गाइस इसको एक्सेप्ट कर लो, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द डेरिवेशन पार्ट, ये क्या है भैया, याद रख लो कि बहुत इजी चीज है, दो तीन फंडे जो मैं बोलूंगा वो बहुत ही क्लियर हो जाएंगी चीजें दिमाग में। पहली चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखता हूं यहाँ पे इन जनरल कि किसी भी डायरेक्शन प्रोपगेट करिए तो कुछ ऐसी है, और थोड़ा सा अमेजिंग है ध्यान देना, दैट इज ए नॉट साइन ऑफ के एक्स की जगह बस हमें कुछ चेंज करना है, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ई कैप, ऐसा कुछ है। एंड सिमिलरली बी वेक्टर हो जाएगा बी नॉट साइन ऑफ के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बी क्या। एंड ये जो के वेक्टर है इसको हम बुलाते हैं वेव नंबर वैसे, बट वेव नंबर एक्चुअली में व्हेन यू स्टडी एडवांस वेव्स या कुछ भी, तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट मुझे एक चीज बस यहाँ पे एक छोटी सी बतानी है, ये जो मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है और जो एक वेक्टर है, दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। कि मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू प्लस के कैप इफ अगर मेरा यहाँ पे क्या चीज, अगर मेरा यहाँ पे के डॉट आर वाला पार्ट और ये ओमेगा टी वाला पार्ट हैव opposite signs, जल्द मतलब थोड़ा सा अमेजिंग सा है, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं यहाँ पे, यू डोंट नीड टू नोट दिस डाउन, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना, ध्यान से देखो कि जब मैं बोल रहा था कि देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो बेसिकली जो k है, k इज बेसिकली टेलिंग अस जो k वेक्टर है कि किस लाइन के अलोंग ऑसिलेशन, कि वो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, वो किसी लाइन को बता रहा है कि ठीक है ये वाली एक्सिस है, कौन सी एक्सिस के अलोंग ऑसिलेशन। और फिर हमें ये कैसे पता लगता है कि अगर यहाँ पे इसका साइन और इसका साइन अगर मैं देखता हूँ, जैसे इस केस में मैंने ऑपोजिट लिया है यहाँ पे माइनस लिया है, तो उस केस में बोल सकता हूँ कि जब यहाँ पे इन दोनों का साइन ऑपोजिट है, के डॉट आर और ओमेगा टी का साइन ऑपोजिट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वेव पॉजिटिव के कैप डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। तो इसको मैं अब लिख सकता हूं कि इफ के डॉट आर एंड ओमेगा टी हैव सेम साइन एंड सी कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप इफ के डॉट आर एंड ओमेगा टी हैव ऑपोजिट साइन, ठीक है।
बस बेसिकली वो फीलिंग कैप्चर करने की कोशिश करो गाइस कि के बेसिकली हमें क्या बता रहा है, एक लाइन बता रहा है कि कौन सी लाइन के अलोंग ऑसिलेशंस, मतलब कौन सी लाइन के अलोंग वेव मूव कर रही है। अब उस लाइन के अलोंग वो लाइट को भी जा सकती है, लेफ्ट को भी जा सकती है, वो कैसे पता लगता है, फेस को देख के, कि फेस के अंदर के डॉट आर वाली टर्म और ओमेगा टी वाली टर्म का साइन ऑपोजिट है, तो वो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है वेव, और अगर उन दोनों का सेम है साइन तो वो उस लाइन या उस एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो ये एक बेसिक सी चीज हमें याद रखनी है। और आर वेक्टर क्या है यहाँ पे, आर वेक्टर इज एंड आर वेक्टर इज जस्ट सिंपल जो पोजिशन वेक्टर होता है ऑफ एनी पॉइंट। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आर वेक्टर है, तो इसको भी रिमेम्बर दिस। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जो आर वेक्टर है दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो बस बेसिकली ये दो चीजें हम याद रखेंगे तो हमारे पास सारे आंसर आ जाएंगे। एग्जाम्पल करके देखते हैं तभी क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। तो पहले इस पे आते हैं, ये जो इक्वेशन थी कि मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट हैज फ्रीक्वेंसी दिस एंड इज प्रोपगेटिंग अलोंग द आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू डायरेक्शन, इट इज पोलराइज्ड अलोंग के कैप। पोलराइज्ड अलोंग के कैप का मतलब क्या होता है गाइस, ये बेसिकली ये जो लाइन होती है कि पोलराइज अलोंग के कैप हमें ये बता रहा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। पोलराइजेशन की डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है के कैप, और प्रोपगेटिंग अलोंग द डायरेक्शन भी दे रखा है तो मुझे सी कैप भी दे रखा है, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू। ऑलराइट, एंड द एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो यहाँ पे अब हमें कुछ और ज्यादा दे नहीं रखा है तो हमें ऑप्शंस देख के एलिमिनेट ही करना होगा। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं गाइस कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन तो यार पहले ही निकाल सकते हैं ना, मैं इन दो पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन थी कि फिर से बना लेता हूँ साइकिल ई बी सी, तो मुझे सी क्रॉस ई करके बी की डायरेक्शन मिल जाएगी, तो सी क्रॉस ई अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, सी क्रॉस ई, तो आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू क्रॉस के कैप, तो यहाँ पे वन बाय रूट टू बाहर निकाल लेते हैं, आई क्रॉस के इज माइनस जे एंड जे क्रॉस के इज प्लस आई, तो मेरे पास ये आ गया है वन बाय रूट टू आई कैप माइनस जे कैप, तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। अगर मैं चेक करता हूँ कि शायद इसी इन्फॉर्मेशन से मेरा कोई ऑप्शन आंसर हो जाए, तो देखता हूँ पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, ऑलराइट, कि पहला ऑप्शन हैज बीन एलिमिनेटेड, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, थर्ड ऑप्शन भी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी डायरेक्शन है बी कैप और इस केस में भी जो डायरेक्शन है बी कैप, दोनों में यही है जो हमने सॉल्व करके यहाँ पे निकाली। मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, एंड लास्ट वाला भी गलत होगा। ऑलराइट, अब फिर से देखते हैं कि और क्या पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे हम सही कर सकते हैं कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर ई नॉट है तो मैग्नीट्यूड ई नॉट बाई सी हो जाएगा, वो भी सब में सेम है तो उसको टेंशन लेनी। अच्छा, अब हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी की कुछ बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी थी 3/2π × 10^12, और एक और चीज थी गाइस याद है कि इन दोनों ऑप्शन में अगर मैं देखता हूँ ये जो चीज है, ये जो इक्वेशन बन रही है कुछ इस फॉर्म की बन रही है, लेट मी राइट डाउन, V is equal to B naught sine of K dot R plus minus omega T plus phi naught, तो कुछ ऐसी क्वेश्चन है, तो K की तो बात मैंने करी थी ना, या तो K अपना होगा जो K cap होगा, सॉरी जो K cap होगा वो या तो माइनस C cap होगा या फिर C cap होगा, तो या तो वो वैल्यूज ले सकता है, C cap की वैल्यू तो मुझे पता है, तो या तो वो हो सकता है, यहाँ पे लिख देता हूँ k cap can either be i cap plus j cap by root 2 or minus of i cap plus j cap by root 2, simple है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि b और c में से अब हमें choose करना है, b और c में से कौन सा option valid हो सकता है। Yes, b is going to get a nod here, क्योंकि यार यहाँ पे ये आ तो रहा है ना जो हम बात कर रहे थे, we were talking about this कि हमें के कैप की वैल्यू चाहिए और के कैप की वैल्यू ये यहाँ पे सेम आ रखी है, एक जो हमारे दो में से एक ऑप्शन है वो यही है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन इज नॉट गोइंग टू बी ईकैप, क्योंकि यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप है. जो दूसरा ऑप्शन हो भी सकता था वो हो सकता था माइनस आई कैप माइनस जे कैप, नॉट आई कैप माइनस जे कैप. आई होप वो चीज समझ आ रही है. तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया है, मेकिंग दी बी ऑप्शन दी करेक्ट वन. तो आई होप गाइज ये चीज क्लियर है. बट ये अभी भी उतनी अच्छी प्रॉब्लम नहीं है जिससे हम ये पूरी के वेक्टर डॉट आर वेक्टर वाली डिटेल में डिस्कस कर सके. तो एक और प्रॉब्लम करते हैं. ऑलराइट, बिफोर वी डू दिस लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अ प्लेन पोलराइज्ड मोनोक्रोमैटिक ईएम वेव इज ट्रैवलिंग इन वैक्यूम अलोंग द जेड डायरेक्शन. तो हमें वेव दे रखी है जो z डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है. अगर ये z डायरेक्शन में बोल रहा हूँ तो वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग द z डायरेक्शन. सच दैट एट t इज इक्वल टू t1 इट इज फाउंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट अ स्पेशल पॉइंट z1. यहाँ पे z1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. एंड द नेक्स्ट जीरो अकर्स इन इट्स नेबरहुड इज एट z2. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज. तो गाइस हमें पता है कि अगर साइनोसॉइडल वेव होगी तो कुछ वेव फॉर्म ऐसी होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर z1 पे जीरो है और नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट जहाँ पे जीरो है वो z2 है. तो ये मुझे पता है कि ये जो एक पूरा लूप होता है यहाँ से यहाँ तक ये मेरा वेवलेंथ होती है लामा. तो ये जो z2 माइनस z1 की वैल्यू आ गई है ये अपने आप दिख रहा है ना, ये हाफ आ गई है लामा. तो यहाँ से मुझे लामडा मिल गया है इन टर्म्स ऑफ z2 माइनस z1 टाइम्स 2. और एक तो ये मेरे पास लामडा आ गया है, और लैम्डा आ गया तो अब मेरी लाइफ इजी है क्योंकि मुझे पता होना चाहिए, ये कुछ नहीं पता होना चाहिए कि लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड. तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3×10⁸ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स z2 माइनस z1, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमने z2 माइनस z1 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दी थी. And फिर मेरे पास आंसर आएगा 1.5×10⁸ डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1. दैट इज द आंसर, मेकिंग द डी ऑप्शन द करेक्ट वन. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट. क्लियर गाइस, मूविंग ऑन. नाउ दैट क्वेश्चन जिसकी मैं बात पहले कर रहा था कि k डॉट r वाली जो बात है वो अच्छे से होता है. तो यहां पे मुझे क्या दे रखा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. 2 मिनट, यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा सर. द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ फ्री स्पेस एट टी इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10j cap cos 6x + 8z. तो ये गाइस यहाँ पे 6x भी आ रहा है और 8z भी आ रहा है. तो ये सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट नहीं कर रही है, कुछ z एक्सिस के अलोंग भी कुछ जा रही है, कुछ x एक्सिस के अलोंग भी जा रही है. तो ये ना तो x ना तो z किसी एक्स वाई जी के अलोंग नहीं मूव कर रही, कुछ रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रही है स्पेस के अंदर. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले कि मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड x, y, z भी लिख देना चाहिए था इनको. तो यहाँ पे आ जाएगा 10j cap cos of 6x + 8z. एंड अगर मैं इन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, दैट इज लिख लेता हूँ यहाँ पे e0 e cap cos of k dot r + ω t + φ0. तो फाइन नॉट तो इनिशियल बेस एंगल होता है, कोई एंगल हमें अलग से दिख नहीं रहा है, टाइम की भी कोई टर्म नहीं दिख रही है. तो मतलब ये जो इक्वेशन लिखी है दैट हैज बीन रिटन एट t इज इक्वल टू जीरो, तभी तो वो वाली ओमेगा टी वाली टर्म भी नहीं दिख रही है ना मैं इस इक्वेशन के अंदर. तो हमें बस एक चीज दिख रही है कि के डॉट आर की वैल्यू. यहां से मुझे सीधा जो चीज दिख रही है कि के डॉट आर की वैल्यू इज 6x + 8z. और मैं बोल चुका हूँ गाइस क्या, कि जो हमारा आर वेक्टर है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है. तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा ना कि देखो k वेक्टर इज 6i cap + 8k cap. और देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ 6i cap + 8k cap का अगर मैं डॉट पर लेता हूँ x i cap + y j cap + z k cap, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है 6x प्लस
8Z आ जाती है। तो आई होप ये चीज सेंस बना रही है, इसलिए मैंने जल्दी से लिख दिया क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आता है। तो ये चीज होगी। तो मेरे पास अभी क्या आ गया है, मेरा के वेक्टर आ गया, के वेक्टर आ गया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ गाइस, एंड प्लीज फोकस है, कि जो मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो या तो माइनस के कैप हो सकती है या प्लस के कैप हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे प्लस माइनस ओमेगा टी होता। बट अमेजिंगली क्या हुआ कि टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू दे दिया, तो हमें नहीं पता कि प्लस है माइनस है, तो मैं दोनों वैल्यूज के साथ काम करूंगा। इट कैन बी आइदर माइनस के कैप और प्लस के कैप, या मैं उल्टा ऑर्डर कर देता हूँ, प्लस वाला पहले लिख देता हूँ ताकि हम पहले प्लस के कैप पे निकल कैलकुलेशन करते हैं। एंड आई होप गाइस ये क्लियर है कि की वेक्टर 8k कैप, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64, अंडर रूट ऑफ 100, तो 10 हो जाएगा मैग्नीट्यूड। याद आएगा 6i कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाई 10 और माइनस 6i कैप ब्रैकेट्स के अंदर प्लस 8k कैप, इस पूरी चीज के नेगेटिव। तो ये हो सकते हैं हमारे पास। लेट मी एड अनदर पेज। अच्छा, हमें बी वेक्टर निकालना है, बी वेक्टर निकालना है। तो बी वेक्टर के लिए अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि बी वेक्टर कैन आइदर बी बी कैप, जो डायरेक्शन है उसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कैन आइदर बी क्या चीज, या तो 6i कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय 10 क्रॉस जो ई वेक्टर की डायरेक्शन थी, और ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या दे रखी है गाइस, यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो, ये ई कैप इज जे कैप। एंड किसी को ये नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा है मैंने, तो फिर से मैं बोलूंगा, रेकमेंड करूंगा कि ये साइकिल याद रखो, ई बी सी, तो सी क्रॉस ई करूंगा तो मुझे बी मिल जाएगा। अरे तो सी क्रॉस बी करने की कोशिश कर रहा हूं, तो पहले तो एक ऑप्शन देख रहे हैं कि केस वन, कि अगर ये होती वैल्यू तो फिर मैं सॉल्व करके यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि बी कैप इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस जे कैप इज, गाइस 1/10 अलग से लिख लेते हैं, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, तो मेरे पास आ जाता 6k कैप और फिर यहाँ पे प्लस 8k क्रॉस j, जे क्रॉस के आई होता है गाइस, तो k क्रॉस j इज माइनस आई, माइनस 8i कैप। या तो ये हो सकता है, या फिर सीधा एक और पूरा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो या तो माइनस 1/10 6k कैप माइनस 8i कैप। बट ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूं तो फिर मेरा k डॉट r एंड ओमेगा t के साइन अलग होंगे, कि विल हैव ऑपोजिट साइन। आई होप ये चीज याद है, थोड़ी देर पहले करी थी, कि अगर मैं c कैप और k कैप सेम ले रहा हूं तो मतलब k डॉट r और ओमेगा t की वैल्यू ऑपोजिट साइन की है, और अगर मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूं तो दैट मींस कि k डॉट r एंड ओमेगा t विल हैव सेम साइन। तो मेरे पास ये सारे रिजल्ट आ गए हैं, अब जाके मैं ऑप्शंस को चेक कर सकता हूं। और ऑप्शंस को चेक करने का क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी गाइस, वो आई थी 6k कैप माइनस 8i कैप डिवाइडेड बाय 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 10 था, तो हमें ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ जो चीज मैंने वहां नहीं लिखी थी, कि बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट सी, सी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी ई नॉट बाय सी। तो और हमें पता है कि बी, जो हमारा बी कैप था वो था 6k कैप माइनस 8i कैप बाय 10 और इसी का नेगेटिव, माइनस 6k कैप माइनस 8i कैप डिवाइडेड बाय 10। तो अगर मैं ये दोनों वैल्यूज डाल दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है कि 10 और 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कि e नॉट की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो दिस इज 10 बाय सी, तो 10 बाय सी इनटू दिस। तो मेरे पास बस बेसिकली मुझे क्या देखना है यहाँ पे, कि ये वाली वैल्यू ये गलत है, क्योंकि हमारे पास या तो 6k कैप माइनस 8i कैप है या फिर 8i कैप माइनस 6k कैप, दोनों के साइन अलग है। तो मुझे ये चीज समझ आ गई है कि ये तो गलत है और ये भी गलत है। अब मुझे सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में देखना है, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में अगर मैं देखता हूँ तो दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है,
और इन्होंने जो बी की डायरेक्शन ली है वो पक्के से ये वाली लिए पहले वाली लिए, ओके ये वाली लिए उन्होंने वाली। तो ये वाली कब लेनी थी गाइस, जब के डॉट आर और ओमेगा टी की वैल्यू क्या थी, ऑपोजिट, ऑपोजिट इन साइन, और ऑपोजिट इन साइन है ये हमारा के डॉट आर है, दिस इज आर के डॉट आर एंड दिस इज ओमेगा टी, दिस इज के डॉट आर, दिस इज ओमेगा टी। तो बेसिकली कहां पे ऑपोजिट है, ऑपोजिट इस वाले केस में है ना गाइस, तो दैट मींस कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू गाइस, ऑलराइट, ट्राई टू डू दिस प्रॉब्लम वंस मोर, बट यही जो है जो सबसे मुश्किल प्रॉब्लम आ सकती है हमारी ईएम वेव्स के अंदर। अगर हम ये प्रॉब्लम कर सकते हैं तो आई होप हम सारी प्रॉब्लम कर लेंगे, आई एम श्योर कि हम सारी प्रॉब्लम कर लेंगे, ऑलराइट। ठीक है, मूविंग ऑन, जो सेकेंड पार्ट है एम वेव्स के अंदर वो है एनर्जी एनालिसिस वाला पार्ट। तो एनर्जी एनालिसिस मैं जल्दी से कहता हूँ, ऑल्दो हम एक क्लास के अंदर डिराइव करते हैं एक्सप्रेशंस, बट अभी के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट, हम जल्दी से एक्सप्रेशंस याद रख के भी सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। कि इंटेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सी क्या है, वैक्यूम के अंदर वेव की स्पीड। और अगर मुझे पता है कि यार जो मेरा ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी, तो उससे मेरे पास ये भी आ जाएगा कि दैट इज इक्वल टू सी। तो गाइस इसमें एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में क्या रहती है, मिसकंसेप्शन ये रहती है कि ये सिर्फ, जब मैं इस फॉर्मूले में लिखता हूँ कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, नहीं, दिस इज द टोटल इंटेंसिटी, दिस इज द टोटल, सब कुछ मिला के टोटल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिला के, ठीक है। तो मैं बस उसको एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में कर रहा हूँ। तो दिस इज हाफ ई नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, या फिर हाफ बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट इनटू सी। और फिर मैं ई नॉट बाय रूट टू ले सकता हूँ, टू को अगर मैं स्क्वायर के अंदर ले गया तो ये बन जाएगा ई नॉट बाय रूट टू का होल स्क्वायर। और ई नॉट एम्पलीट्यूड, अगर ये चीज नहीं क्लियर है तो आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर अ साइनोसॉइडल फंक्शन इज ई नॉट बाय रूट टू, ऑलराइट, ये याद रख सकते हो फॉर साइन वेव्स, फॉर साइन। यहाँ पे गाइस लेट मी जस्ट, दिस इज, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, माय बैड, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू, ये किसके लिए है, फॉर साइन वेव्स, ये चीज ट्रू होती है, आर एम एस और एम्पलीट्यूड में जो डिपेंडेंस है। तो यहाँ पे मेरे पास ई आर एम एस की फॉर्म में ही आ जाएगा। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं भैया, कई बार हाफ लगा रखा होता है, कई बार हाफ नहीं लगा रखा होता है। यार हाफ लगा रखा है तो मतलब एम्पलीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहे हैं, हाफ नहीं लगा रखा है तो आर एम एस वैल्यू की बात कर रहे हैं, विच इज एम्पलीट्यूड बाय रूट, कंफ्यूज मत। और फिर अगर मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी जस्ट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द एनर्जी जस्ट इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इस टोटल वैल्यू का हाफ हो जाएगी, क्योंकि ईएम वेव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैरी करती है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है उतनी मैग्नेटिक फील्ड के पास, तो टोटल अगर कुछ ई है तो दोनों के पास ई बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे पूछता है कि व्हाट इज द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द वेव जस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहाँ पे 1/2 की जगह 1/4 कर देता हूँ। तो आई होप वो चीज क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि दैट इज हाफ द इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग। तो ये बस ये चीज याद रखें, ओके। सेकेंड थिंग इज, जिस पे हम फोकस करना चाह रहे हैं मेनली, जिससे अभी एक दो साल में क्वेश्चन आए हैं, कि इलेक्ट्रिक, सॉरी ईएम वेव की इंटेंसिटी इन अ मीडियम, नॉट वैक्यूम। जब मैं मीडियम की बात करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव इन अ मीडियम, इन मीडियम दैट इज हाफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन दैट मीडियम, इनटू स्पीड ऑफ द वेव इन दैट मीडियम, सारी चीजें इन द मीडियम वाली, ऑलराइट। एंड फिर हमें यही सारी चीजें पता होनी चाहिए कि यार एप्सिलॉन जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, दैट इज एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो दिस के, के इज कॉल्ड द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम। बट हमें रिलेटिव परमिटिविटी नहीं देखी होती है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दे रखा होता है, बट डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और ये दोनों चीजें सेम होती हैं, ऑलराइट, ठीक है। और फिर मेरे को
यहाँ पे एक चीज में ये रिमूव कर देना चाह रहा हूँ, और जो स्पीड ऑफ द वेव इन मीडियम होती है, जो स्पीड ऑफ द वेव इन द मीडियम होती है वो होती है सी बाय एन, वेर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑलराइट, तो मैं इसकी थोड़ी देर में बात करूंगा, बट आई होप ये सारी चीजें हमें पता है। तो मैं जस्ट ये दो चीजें हमें पता है, तो हम आगे जाके क्वेश्चन के अंदर इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स डू अ क्वेश्चन कि ईएम वेव ऑफ इंटेंसिटी 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंटर्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन विदाउट एनी लॉस, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग इन टू द मीडियम आर रेस्पेक्टिवली। तो हमें अगर कुछ एक वेव दे रखी है, लेट्स से यहाँ पे डायग्राम में बनाने की कोशिश करूंगा, तो एक ई एम वेव आ रही है और वो किसी मीडियम को एंटर करती है, तो ये लेट्स से वैक्यूम है और ये हमारे इस बाउंड्री के राइट हैंड साइड पे मीडियम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट है, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे ई एम वेव का एम्पलीट्यूड ई है और यहाँ पे ये बी नॉट भी है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे बी है और यहाँ पे परमिटिविटी एप्सिलॉन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इस मीडियम का हमें क्या दे रखा है गाइस, यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। इफ यू क्लोजली लुक एट दिस, इस लाइन के अंदर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इस मीडियम का, तो फिर मैं बात कर सकता हूँ कि यार ये तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा और ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो इसकी परमिएबिलिटी विल बी क्या चीज, सेम एज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ पे म्यू नॉट है, तो इसकी भी परमिएबिलिटी म्यू नॉट ही है। गाइस मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ जल्दी से बिफोर आई सॉल्व दिस। देखो स्पीड ऑफ दिस वेव इन द मीडियम इज सी बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप ये चीज क्लियर है कि किसी भी वेव की स्पीड इन अ मीडियम इज स्पीड इन वैक्यूम डिवाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड हमें पता है ये मीडियम के अंदर जो मैंने पहले भी लिखा था स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज में कि दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टाइम्स द परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, दैट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ यहां पे एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट और म्यू सेम रहा मीडियम के अंदर क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू। और फिर मेरे पास आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज सी इन अ मीडियम स्पीड ऑफ द वेव इन अ मीडियम सी बाय एन इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एप्सिलॉन आर इनटू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू। एंड गाइस हमें ये तो पता नहीं, ये तो सी ही है, ये तो सी वैक्यूम के अंदर जो स्पीड है, तो मैं सीधा इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पे कैंसिल आउट करके बोल सकता हूं। जाएगा कि n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन r या फिर एप्सिलॉन r या रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर। तो ये थोड़ा से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं ये बेसिक से, जिनसे अब हम ये क्वेश्चन इजीली आंसर कर पाएंगे। ऑलराइट, लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस हियर। ऑलराइट गाइस, तो अब मुझे दे रखा है, अगर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर पहली लाइन के अंदर कि एन ईएम वेव ऑफ इंटेंसिटी दिस एंटर्स द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन विदाउट एनी लॉस, तो इंटेंसिटी का लॉस नहीं हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इंटेंसिटी बिफोर वाज कि इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट बोल देता हूँ, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी वैक्यूम के अंदर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू इंटेंसिटी इन द मीडियम व्हिच इज हाफ एप्सिलॉन into e का square into c in the medium, alright, तो ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिर half epsilon naught into e naught का square into c is equal to half, and guys permittivity हम लिख सकते हैं that is epsilon r epsilon naught into e square और speed of the wave in medium लिख सकते हैं c by n, alright, तो अब मैं यहाँ से carry कर सकता हूँ कि फिर हाफ ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा, epsilon out कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कि e naught का स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत सारी टर्म्स कैंसिल होगी, हाफ epsilon naught c कैंसिल आउट हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ e naught स्क्वायर बचा है, तो e naught स्क्वायर इज इक्वल टू epsilon r into e square by n, और अगर आपको याद होगा अभी दो मिनट पहले मैंने डिराइव करा था कि epsilon r इज n square, वो वैल्यू पुट कर दूंगा, तो n square into e square by n, तो मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा कि epsilon naught by e, sorry, e naught by e,
इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर एंटरिंग द मीडियम का जो रेशियो है वो ही यहाँ पे मेरे पास एन का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। एंड सेकेंड चीज फिर मैं बोल सकता हूँ कि यार जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड थी इनिशियली वो थी ई नॉट बाय सी, और जो मेरी मैग्नेट्यूड सॉरी और जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है फाइनली वो है फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय सी। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ तो सी, और यहाँ पे सी सी मीडियम है, ये ध्यान देना है कि पहले वो सी थी सी वैक्यूम, क्योंकि हम वैक्यूम की बात कर रहे थे, और यहाँ पे सी मीडियम हो जाएगा क्योंकि स्पीड ऑफ वेव मीडियम में चेंज होगी। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि अभी मैंने निकाला कि ई, यहाँ पे मैंने निकाला ना कि ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट एन, तो इसको पुट कर सकता हूँ कि दैट इज ई नॉट बाय रूट एन डिवाइड बाय सी मीडियम इज सी बाय एन, और मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा कि B जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है वो मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगा E नॉट बाय C इनटू अंडर रूट ऑफ N, और जो मेरा यहाँ पे रेशियो आ जाएगा फिर आई होप ये देख सकते हैं दोनों वैल्यूज कि B नॉट बाय B का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास सॉल्व करके E नॉट बाय C divided by E naught by C into root n, which will be 1 by root n. तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि बिफोर एंड आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो आर रूट एन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो एंड 1 by root n फॉर मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो। देख लेते हैं कोई ऐसा है ऑप्शन, यस ऑप्शन बी, ऑलराइट, यहाँ पे ऑप्शन बी इज इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो रूट एन है और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो 1 by root n. ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर गाइस, मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फाइनली ईएमबीएस को रैप अप करने के लिए। दिस इज अ बिट ऑफ अ वेरी इजी प्रॉब्लम बट ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फोर्स फोर्स की क्या बात होगी ना गाइस, है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही ना, तो अगर मैं चार्ज पार्टिकल छोड़ दूंगा इनके रास्ते में तो ये फोर्स तो लगाएंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगाती है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अ लाइट बीम ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड by the electric field EY 300 volt per meter sine of omega t minus omega by cx, an electron is constrained to move along the y direction with a speed of 2 into 10 to the power 7 meter per second, find the maximum electric field and find the maximum magnetic force on the field. यहाँ पे easy है guys, मैं तो मुझे दे रखा है कि electric field y direction है क्योंकि EY ही दे रखा है अगर question में देखोगे तो, electric field is basically 300 J cap sine of omega t minus omega by cx, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड आ गया है वो 300 है एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेट्यूड आ जाएगा गाइज वो आ जाएगा 300 by c e नॉट by c which is 300 by c एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ जाएगी b cap वो मेरे पास आ जाएगी c cap क्रॉस e cap करके एंड c cap यहाँ पे देख सकते हैं इसको देख के कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो दैट इज आई कैप क्रॉस जे कैप दैट इज के कैप, तो मेरा जो चार्ज पार्टिकल है उस पर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे उस पर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता हूँ तो दैट इज जस्ट चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ई नॉट, तो एफ ई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई, उसका मैग्नीट्यूड बता देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा एफ ई मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है मैक्सिमम दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और 300 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 300 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 न्यूटन। एंड एफ बी मैक्सिमम की बात करता हूँ गाइस, तो एफ बी मैक्सिमम गाइस एक चीज तो यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि देखो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है, ऑलराइट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरा चार्ज पार्टिकल जो क्यू है या ई है वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों परपेंडिकुलर है और जो फोर्स होती है दैट इज क्यू इनटू वी क्रॉस बी होती है क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये वाई डायरेक्शन में है ये जेड डायरेक्शन में है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स तो बहुत इजीली लिख दूंगा ना मैं, दैट इज जस्ट मैग्नेट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेट्यूड्स, यहाँ पे क्यू इंटू वी इंटू बी आ जाएगा,
बी नॉट आ जाएगा। दो मिनट में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अभी मैंने सिर्फ एफ बी लिखा था और बी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो एफ बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तब होगी जब मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगी, और वो कितनी होगी उसके एम्पलीट्यूड के बराबर बी नॉट। और फिर मुझे पता है ये वैल्यू सारी पता है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। वेलोसिटी अपने को दे रखी है पार्टिकल की 2 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज 300 डिवाइड बाई सी विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा गाइस तो एफ बी की जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगा यहाँ से, और फिर ये 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज 10, तो यहाँ पे बस 220 आ जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 मीटर्स। मेरे पास ये दो आंसर आ गए, एक ये एफ बी मैक्स और एक ये एफ ई मैक्स। सो आई होप गाइज नाउ यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। एनर्जी एनालिसिस हो गया, इक्वेशन लिखना हो गया इमेज का, तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो इन तीन टॉपिक्स में से ईएम वेव्स में से आते हैं, और ईएम वेव्स के भी हमने सारे क्वेश्चन देखे। नाउ मूविंग ऑन, द सेकेंड पार्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव्स। नाउ हमने बात करी थी लीनियरली पोलराइज ईएम, तो गाइस अगर वेव कुछ एक प्लेन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है वो एक प्लेन के अंदर ही लाए कर रहे हैं और वो प्लेन आगे को मूव कर रही है, तो उस प्लेन को हम बोल देते हैं प्लेन वेव फ्रंट, और उस वेव को बोलते हैं प्लेन पोलराइज, और उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। बस मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि लेट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहा हूँ यहाँ पे ये वेव का एक वेव फ्रंट है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बस एक लाइन के अलोंग ऑसिलेट कर रही है ऊपर नीचे इस चीज में, या फिर इस लाइन के अलोंग ऑसिलेट कर रही है आगे पीछे, या फिर कुछ इस टेढ़ी लाइन के अलोंग ऑसिलेट कर रही है, बट एक ही लाइन के अलोंग ऑसिलेट कर रही है। व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स ओनली अलोंग अ सिंगल एक्सिस, अ सिंगल लाइन, तो हम बोल सकते हैं कि द ईएम वेव इज अ लीनियरली पोलराइज्ड वेव। All the three wave fronts have electric field oscillating along a single line. In all the three cases, the EM wave is called the linearly polarized EM wave. और हम इसको मतलब जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो इसको क्या सिंबल यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी राइट की डायरेक्शन, ये जो दिखा रहा है दैट इज कि राइट को मेरी वेव प्रोपगेट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो एक ही लाइन के अलोंग ऑसिलेट कर रही है ना गाइस, तो जस्ट ये दिखाने के लिए ऊपर नीचे, या फिर राइट को ईएम वेव ऑसिलेट कर रही है और ये डॉट्स दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, अंदर बाहर ऑसिलेट कर रही है, तो अभी भी एक ही लाइन के अलोंग कर रही है, तो या तो ये दिखा दो ये दिखा दो, बोथ आर इक्वली गुड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड ईएम वेव, दोनों लीनियरली पोलराइज्ड ईएम वेव को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड वेव का क्या फंडा हुआ, अनपोलराइज्ड वेव का फंडा ये हुआ कि मैंने यहाँ पे शो करा है कि अगर मेरे पास अब वेव फ्रंट है वो राइट को जा रहा है मे बी, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी है ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर रही है, तो तीन डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रही है, बट कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, तो मेरे पास अगर ये बेसिकली बहुत सारी है यहाँ पे, तो फिर मैं बोलूंगा कि यार जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अनपोलराइज, ठीक है, बट जब भी अनपोलराइज भी होगी तो यू हैव टू इमेजिन कि मेरे पास बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी ऐसे वेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रैंडमली ओरिएंटेड है, सबको मैं हमेशा, क्योंकि वेक्टर्स को अगर प्लेन के अंदर कोई वेक्टर लाई कर रहा है मैं उसको एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग तो रिजोल्व कर ही सकता हूँ ना गाइस हमेशा, तो अगर मैं उनको एक्स और वाई के अलोंग रिजोल्व कर लेता हूँ तो फिर मेरे पास जो सारे वेक्टर्स होंगे उनको मैं दो डायरेक्शंस यूज करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दो डायरेक्शंस यूज करके, आई होप वो क्लियर है कि दो डायरेक्शंस यूज करके मैं सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं जो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखता हूँ वो कुछ ऐसे रखता हूँ कि इसके अंदर वेव तो राइट को जा रही है, बट राइट को जाते हुए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन है तो ऊपर नीचे भी ऑसिलेट कर रहा है, अंदर बाहर भी कर रहा है, तो आई नीड टू डायरेक्शंस टू रिप्रेजेंट दी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स फॉर दैट ईएम वेव, तो मैं बोलता हूं कि ये अनपोलराइज्ड ईएम वेव है, तो ये अनपोलराइज्ड ईएम वेव करने का तरीका है। एंड फिर गाइस हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं ईएम वेव पोलराइजर। ईएम वेव पोलराइजर क्या करता है, हमें नहीं जानना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दिस पोलराइजर वी डू नॉट केयर अबाउट दैट, बस हमें पता है कि एक डिवाइस है, एक डब्बा है
जिसके थ्रू जब मैं अनपोलराइज लाइट पास कराता हूँ तो ये दूसरी साइड से पोलराइज निकलती है, या तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ या ऐसे दिखा सकता हूँ, बट जो भी डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन होगी कि ऊपर नीचे ऑसिलेट करिए या अंदर बाहर ऑसिलेट करिए या किसी रैंडम डायरेक्शन में करिए, वो इस पोलराइजर की प्रॉपर्टी बताती है। कौन सी प्रॉपर्टी बताती है? यहाँ पे मैंने लाइन में लिखा भी हुआ है कि द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इमर्जेंट पोलराइज लाइट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग कॉल्ड द पोलराइजिंग एक्सिस। कि पोलराइजिंग एक्सिस हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में फाइनली जो ईएमए ओरिजिन मतलब जो इमर्ज हो रही है वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी हमारी ईएमए है, उसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, जो अनपोलराइज लाइट थी, तो जब मैं उसको पोलराइजर के थ्रू पास करा दूंगा तो जो रिजल्टेंट पोलराइज लाइट आएगी राइट हैंड साइड पे, उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। हाफ क्यों हो जाएगी गाइस? क्यों? क्योंकि एक एक्सिस के अलोंग वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड उड़ा देगा और दूसरी एक्सिस के अलोंग के इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहे होंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है, तो जो फिर अंदर बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारी उड़ गई। और क्योंकि बहुत सारे हमारे पास वेक्टर्स थे ना, इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर्स थे अनपोलराइज लाइट के अंदर, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो रैंडम डायरेक्शन ऑसिलेट कर रहे थे, तो ऑन एन एवरेज मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं रिजोल्व भी करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आधी एनर्जी जो है हमारी ईएम वेव की एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग है और बाकी आधी एनर्जी दूसरी एक्सिस के अलोंग है। तो दोनों एक्सिस के अलोंग जो इंटेंसिटी अगर मैं बोल सकता हूँ तो I0/2 होगी। तो ये पोलराइजर क्या करेगा, एक एक्सिस के अलोंग जो एनर्जी आ रही है उसको उड़ा देगा, तो I0/2 एनर्जी उड़ा देगा और सिर्फ I0/2 अलाउ करेगा दूसरी साइड से। तो हमारे पास जो पोलराइज लाइट आएगी उसके पास सिर्फ इंटेंसिटी I0/2 बनेगी। तो मूविंग ऑन, तो अब हम प्रॉब्लम्स पे आना शुरू करेंगे गाइस। बट हमारे सिलेबस में जो पोलराइजर जिसकी हमें बात करनी होती है वो होता है पोलरॉइड, कि पोलराइजर फॉर विजिबल लाइट, राइट। तो विजिबल लाइट की बात करते हैं कि हमें पता है कि अगर ये पोलराइजर है, ये पोलरॉइड है, और इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी दे रखी है विच इज दी पोलराइजिंग एक्सिस, और वो कुछ एंगल पे इंक्लाइन है, तो यहाँ से जो अनपोलराइज लाइट आ रही होगी मेरे पास, जब वो पास करेगी तो वो पोलराइज लाइट निकलेगी, और जो पोलराइज लाइट निकलेगी वो एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही होगी, जैसे यहाँ पे एक ही एरो मैंने बना रखा है, और वो कौन सी डायरेक्शन होगी? वो डायरेक्शन होगी पोलराइजिंग एक्सिस वाली डायरेक्शन, राइट। और फिर हमने बात करी थी कि अगर इलेक्ट्रिक सॉरी ईएमएफ की इंटेंसिटी आई नॉट है तो रिजल्टिंग पोलराइज्ड वेव की इंटेंसिटी I0/2 होगी। और एक और चीज हमें याद रखनी है कि इंटेंसिटी ऑफ अ वेव याद होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी है, तो हमारा वो क्या होता है, सम कांस्टेंट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होता है। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी मिल जाएगा आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलरॉइड। यहाँ पे मैंने लिखा कि I0 = k × E0² और फाइनल जो है आई न्यू वो आ जाएगा मेरे पास I0/2, वो मुझे पता है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू के टाइम्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू है उसका स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा EN² / E0² सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का रेशियो ले लूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा I0/I0/2। तो मेरे पास यहाँ पे जो यहाँ पे फिर मुझे आएगा कि EN = क्या चीज, जब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा ये 1/2 ऑन द अदर साइड विल बिकम 1/√2 और EN की वैल्यू हो जाएगी E0/2। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि जब ये लाइट पास कर रही है इंटेंसिटी I0 से I0/2 हो गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E0 था तो E0/√2 हो गया है। होप दैट इज क्लियर। तो सिमिलरली व्हाट विल हैपन अगर मैं ऑलरेडी पोलराइज लाइट को पोलरॉइड में फीड कर, ये भी पोलराइज है और राइट हैंड साइड पे ही पक्के से वो तो पोलराइज ही निकलेगी गाइस, बट डिफरेंस क्या है कि ये पोलराइज इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है और जो मेरी फाइनल लाइट है वो इसकी पोलराइजिंग एक्सिस के अलोंग पोलराइज है। राइट, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने का क्या तरीका है गाइस, राइट, लेट्स ट्राई टू इमेजिन। मैंने फिर से डायग्राम में आपको बताया, तो ये हमारी I0 और E0 वैल्यूज की ईएम वेव आ रही है, वर्टिकली ओरिएंटेड है, वर्टिकली अप डाउन, और कुछ स्लांटेड ओरिएंटेशन में निकल रही है,
न्यू इंटेंसिटी इज आई डैश, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज ई डैश। तो इसको मैं थोड़ा सा फ्रंट व्यू देख रहा हूँ, ये जो पोलराइजर है इसका फ्रंट व्यू ये है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऑलरेडी वो वर्टिकली ऑसिलेट कर रही है, और पोलराइजिंग एक्सिस और जो हमारी इंसिडेंट ईएम वेव है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा का है। तो हमारी जो पोलराइजिंग एक्सिस क्या करती है गाइस, बेसिकली पोलराइजिंग एक्सिस का फंडा क्लियर है कि पोलराइजिंग पोलराइजर या पोलरॉइड, यहाँ पे पोलराइड देख सकते हैं, पोलराइड ओनली अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू पोलराइजिंग एक्सिस, पोलराइजिंग एक्सिस टू पास, कि जो पोलराइजिंग एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उसी को अलाउ करेगी पास करने की, एंड विल कैंसल आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू पोलराइजिंग एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू पोलराइजिंग एक्सिस। तो आई होप ये भी चीज क्लियर है। तो अगर ये चीज क्लियर है तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी मैंने उसको रिजोल्व कर लिया, एक तो उसका कंपोनेंट देख लिया जो अलोंग द पोलराइजिंग एक्सिस है, और एक कंपोनेंट जो उसका परपेंडिकुलर टू पोलराइजिंग एक्सिस है। तो फिर मुझे पता है कि जब यहाँ पे दूसरी साइड पे वेव निकलेगी तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई डैश वो सिर्फ और सिर्फ वही वाली होगी जो पैरेलल टू पोलराइजिंग एक्सिस थी, और ई डैश की वैल्यू वहां पे आ जाएगी ई नॉट कॉस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रही है तो आई होप यू यू रिमेम्बर कि दैट इज आई के ई स्क्वायर। तो अगर मैंने यहाँ पे ई को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो नई इंटेंसिटी होगी दैट विल बी आई नॉट कॉस स्क्वायर। राइट, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई है और मेरे पास इंटेंसिटी भी आ गई है आफ्टर द ईएम वेव पासेस थ्रू द लीनियरली पोलराइज्ड ईएम वेव पासेस थ्रू द पोलराइड चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन या एक्सिस जिसके अलोंग वो ऑसिलेशन हो रही है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर गाइस, ये चीज हमें याद रखनी है। अब हम दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं कि दो पोलराइजर लगा देते हैं, कि पहले मैंने अनपोलराइज्ड लाइट को पास करा एक पोलराइड से जिसकी एक्सिस कुछ इंक्लाइन थी, और फिर इस साइड में मुझे पोलराइज लाइट निकली जिसकी इंटेंसिटी आई वन थी जो हमें पता है आई नॉट बाई टू, और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन थी एंड दैट आल्सो वी नो दैट इज ई नॉट बाई टू। एंड फिर दूसरी साइड पे फिर मैंने एक और पोलराइड लगा दिया जो ऑलरेडी लीनियरली पोलराइज लाइट को किसी और डायरेक्शन में पोलराइज कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख दिया दैट इज आई टू इंटेंसिटी फाइनल और ए टू, तो हमें फाइनल इंटेंसिटी निकाल। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ तक तो हमें कहानी क्लियर है, और अभी जो मैंने बात करी मैं फिर से ही बकवास रिपीट कर सकता हूँ कि ये मेरा पोलराइजर था, ये मेरी पोलराइजिंग एक्सिस है, और जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आ रही है, इस लाइन के अलोंग आ रही है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा अगर मुझे दे रखा है, यदि एंगल बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोलराइजिंग एक्सिस, या फिर मैं सीधा बोल सकता हूँ कि थीटा इज द एंगल between the polarizing axis of the two polarizers या polaroids, क्योंकि पहली वाली तो पहली axis के along oriented होगी और फिर वो जब fall करेगी दूसरी axis पे, अगर वो angle theta बना रही है with the new axis, तो मतलब पिछले polarizer की जो polaroid की जो polarizing axis थी वो भी angle theta बना रही है, तो theta is the angle between the polarizing axis of the two polaroid। मेरे पास आएगा कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही है E1, E1 का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे पास होगा E1 cos थीटा और दूसरा नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि E2 is E1 cos थीटा, तो जो पिछली इंटेंसिटी थी, पिछली इंटेंसिटी मतलब I1 which was I0 by 2, तो जो मेरी I2 हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आई होप ये दिख रहा है कि E2 is equal to E1 cos थीटा, इस आर्ग्यूमेंट से कि वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट अलाउ करेगा अलोंग द पोलराइजिंग एक्सिस वाला कंपोनेंट अलाउ करेगा, इसके परपेंडिकुलर वाला नहीं करेगा, और I2 की वैल्यू आ गई है तो मैं सीधा ही बोल सकता हूँ कि जो मेरी E2 की वैल्यू ये आ गई है, तो बस मैंने क्या करा पिछली वाली इंटेंसिटी के अंदर
cos square theta multiply कर देना है, तो I2 is equal to E1 cos square theta, और E1 खुद क्या था I0 by 2, so that is I0 by 2 cos square theta. तो हो सकता हूँ कि दो पोलराइजर से पास कराते हैं अनपोलराइज लाइट को, और दोनों पोलराइजर के पोलराइजिंग एक्सिस में थीटा एंगल है, और अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो जो फाइनल दोनों पोलराइजर से गुजर के लाइट निकल रही होगी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगी, एंड दिस इज कॉल्ड द मैलस लॉ. बट हमें नाम याद रखने से कुछ फायदा नहीं है, यू शुड रिमेम्बर कि मैंने कैसे करा. ठीक है, तो भाई सब जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं. So let's read the question first. The unpolarized light of intensity I is incident on a system of two polarizers, A followed by B. The intensity of the emergent light is I by 2. If a third polarizer C is placed between A and B, the intensity of the emergent light is reduced to I by 3. The angle between the polarizers A and C is theta. Then, तो पहले हमें दे रखा है कि गाइस दो पोलराइजर थे A और B, और जब मैंने अनपोलराइज्ड लाइट यहां से पास करी इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अलोंग, राइट, जब मैंने, लेट मी यूज अनदर कलर, मैंने जब अनपोलराइज्ड लाइट पास करी यहां से, तो ये इंटेंसिटी आई नॉट थी, दूसरी साइड से जो इंटेंसिटी निकली पोलराइज्ड लाइट की वो निकली आई नॉट बाय टू, राइट. तो अगर मैं बोलूँ कि ये इसकी एक्सेस थी, मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही होगी, और गाइस मुझे पता है कि यहां पे अगर कोई वेव निकलती आफ्टर पासिंग थ्रू पोलरॉइड वन, अरे पोलरॉइड वन के अक्रॉस निकलती, तो फिर यहां पे जो भी वेव आती उसकी भी आई नॉट बाय टू होनी चाहिए. बट हमें दे रखा है कि बी से पास होने के बाद भी आई नॉट बाई टू है, तो इससे हम एक ही लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहां से जो वेव निकली थी वो और इसकी जो एक्सेस है पोलराइज्ड एक्सेस पैरेलल है, ताकि हमारा कोई भी इंटेंसिटी में कमी ना है, कोई कंपोनेंट कैंसिल नहीं हुआ. हो सकता है कि पोलराइजिंग एक्सेस ऑफ ए इज पैरेलल टू पोलराइजिंग एक्सेस ऑफ बी, तो ये चीज मुझे पता लगी, ये इन दोनों के पोलराइजिंग एक्सेस में एंगल जीरो. फिर हमें रखा है कि जब मैंने एक और पोलराइजर प्लेस कर दिया दोनों के बीच में, तो फिर फाइनल इंटेंसिटी आई बाई थ्री हो, फिर वो भी करते हैं. मेरे पास एक पोलराइजर है जिसकी एक्सिस मान लेते हैं वर्टिकल है, फिर एक और पोलराइजर लगा दिया जिसकी एक्सिस मान लेते हैं कुछ एंगल पे है, और फिर से जो सी, सॉरी, जो थर्ड पोलराइजर है जो बी पोलराइजर था उसकी भी एक्सिस वर्टिकल है, क्योंकि हमें प्रूव करना था ए और बी की पोलराइजिंग एक्सिस पैरेलल और ये सी है. तो अब हमें दे रखा है कि यहां से जब मैं इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे जब अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ आई नॉट या आई इंटेंसिटी फीड करता हूँ, तो यहाँ से मुझे आई बाय थ्री मिलता है. तो गाइस लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कि यहाँ पे बोल देते हैं कि इंटेंसिटी आई वन है, यहाँ पे बोल देते हैं इंटेंसिटी आई टू है. तो बोल सकता हूँ कि आई वन तो बाय डिफॉल्ट आई बाय टू है, और अगर इन दोनों एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, वर्टिकल और सी की एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, तो मैं फिर से बोल सकता हूँ कि आई सी, सॉरी आई टू इज इक्वल टू I1 cos square theta, या फिर I by 2 cos square theta, and फिर मैं बोल सकता हूं कि इधर से जो वेव निकल रही है उसकी इंटेंसिटी कुछ I3 है मान लेते हैं. तो दिस इंप्लाइज, लेट मी एड अनदर पेज हियर, यहां पे देख लेते हैं गाइस कि पोलराइजर C से जो EM वेव निकल रही है यहाँ पे अपने पास, उसकी इंटेंसिटी अगर I2 है और इसको मैं पोलराइजर B में फीड करता हूँ, तो उसकी इंटेंसिटी, तो उसकी इंटेंसिटी I3 है. तो फिर से बोल सकता हूँ क्योंकि इन दोनों की एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है, एंगल थीटा, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि I3 शुड बी इक्वल टू I2 cos square theta, है ना. जब भी एंगल थीटा को होता है तो इंटेंसिटी प्रीवियस इंटेंसिटी की कॉस्क्वायर थीटा होता है, अगर लीनियरली पोलराइज्ड वेव से लीनियरली पोलराइज्ड, तो आई टू की वैल्यू थी आई बाय टू कॉस्क्वायर थीटा, तो बताएगा कि आई थ्री इज इक्वल टू आई बाय टू, आई टू कॉस्क्वायर थीटा अपना खुद का लेके आ रहा था एक कॉस्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो दैट विल बी कॉस टू द पावर फोर थीटा, और हमें देखा कि ये जो वैल्यू है दैट इज आई बाय, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि आई
इज सॉरी आई बाय लिख देता हूँ प्रॉपरली यहाँ पे कि आई बाय टू कॉस टू द पावर फोर थीटा इज इक्वल टू आई बाय थ्री कॉस टू द पावर फोर थीटा यहाँ पे आ जाएगा आई बाय थ्री यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि cos to the power 4 theta is 2 by 3 and theta is equal to sorry cos of theta is equal to 2 by 3 raised to power 1 by 4 and that is our answer. अगर options check करेंगे हम तो हमें यही निकालना है. Check कर सकते हैं. The angle between polarizer cos of theta is 2 by 3 1 by 4 raised to power 1 by 4, giving me this option as the correct, B option as the correct option. So I hope guys this question is also clear. Okay, moving on. So let's read the question first. Unpolarized light of intensity I naught is incident on the surface of a block of glass at Brewster's angle. In that case, which one of the following statements is true? Together. Before we talk about this, मैं जल्दी से Brewster's angle समझाता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी light incident होती है किसी भी medium boundary में, पहले वाले medium का refractive index n1 है, दूसरे वाले medium का refractive index n2 है, और वो light theta b पे आती है, where theta b यहाँ पे Brewster's angle को मैं theta b से represent करता हूँ, तो ये वो special angle है जिसपे जो reflected wave होती है वो यहाँ पे देख सकते हो. रिफ्लेक्टेड वेव हमारी क्या हो गई है, रिफ्लेक्टेड वेव इज नाउ पोलराइज्ड. रिफ्लेक्टेड वेव इज पोलराइज्ड एंड जो हमारी ट्रांसमिटेड वेव होती है दैट इज स्टिल अनपोलराइज्ड. ऑलराइट, रिफ्लेक्टेड वेव इज स्टिल अनपोलराइज्ड. तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये आ गया है कि इस एंगल पे रिफ्लेक्टेड वेव पोलराइज हो जाती है. द सेकेंड थिंग इज कि व्हेनेवर दिस हैपेंस दिस इज ऑल्सो ट्रू. यहाँ पे ये whenever this happens, when the angle is theta b and jab reflected ray polarized ho ja rahi hai upon reflection, to reflected ray is perpendicular to emergent. Sorry, emergent ray ki jagah transmitted ray likhte hain. That is much better. Transmitted ray. Alright, so transmitted ray ke perpendicular hai. To fir mere paas yahan pe theta b ki value mil jayegi. Kaise? पहले तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं यहां से यहां देखता हूँ, यहां से यहां देखता हूँ कि यहां से यहां में जो एंगल 180 डिग्री का है उसके अंदर तीन एंगल है. एक तो थीटा बी है, एक ये, एक तो ये थीटा बी है, एक ये एंगल 90 है बिकॉज ऑफ द रूल, और ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, ऑलराइट, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि R plus 90 plus theta B is 180. मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि R plus theta B plus 90 is equal to 180. तो मेरा angle of refraction आ गया 90 minus theta. और फिर मेरा N1 sin theta B is equal to N2 sin R, which is the Snell's law. तो N2 by N1 is equal to sin of theta B by cos of theta B. क्योंकि sin of R क्या बन गया है? Sin of 90 minus theta B, और sin of 90 minus theta B is cos of theta b. तो मेरे पास आ गया है कि tan of theta b is n2 by n1 या theta b angle, Brewster's angle is tan inverse n2 divided by n1. Tan inverse of the refractive index of the second medium divided by the refractive index of the first medium. तो यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन. The transmitted light is partially polarized with intensity I0 by 2. नहीं, transmitted light is completely polarized. Transmitted light के साथ तो कुछ नहीं हो रहा ना गाइस. Reflected light is completely polarized with intensity I0 by it. And this is the correct option. क्यों? देखो ये तो हमने देखा ना कि Brewster's angle पे light polarized हो जाती है जो reflect, तो वो तो ठीक है. But what about the intensity? Why is the intensity less than I0 by it? क्योंकि guys ज्यादा से ज्यादा intensity तो transmitted light पे जाएगी ना, क्योंकि transmitted light दोनों electric field के components लेके जा रही है. Alright, तो वो बेसिकली ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ही EMF लेके जा रही है, तो ज्यादा इंटेंसिटी ले जाएगी. इट विल टेक मोर देन हाफ ऑफ. तो आई होप दिस इज क्लियर कि जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी इंटेंसिटी आधी से कम ही होगी, तो I0 by 2 होगा. दैट शुड बी क्लियर. ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट.
गाइस मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम्स. कम्युनिकेशन सिस्टम का जो सेटअप है मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि हम अगर अपने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फोन में मैं बात कर रहा हूँ अभी तुम्हारे साथ में कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तो मैंने कुछ बोला वो मैसेज मेरे फोन के माइक्रोफोन ने इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करा. मेरे फोन के माइक्रोफोन को बोलेंगे ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कर रहा था. यहाँ पे साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है वो माइक्रोफोन, दैट इज द ट्रांसड्यूसर. फिर वो जो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हुआ होगा दैट विल बी वेरी वीक, तो उसको एम्पलीफाई करूंगा मैं, एम्पलीफाई लगाऊंगा. और फिर हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो सिग्नल जो करंट है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, हम उसके साथ एक हायर फ्रिक्वेंसी वेव अटैच करके, हायर फ्रिक्वेंसी करंट अटैच करके उसकी ईएम वेव बना के ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू उसको भेज देते हैं. और फिर वो भेजते हैं तो फिर वो क्या होती है कि वो स्पेस में ट्रैवल करती है एज अ ईएम वेव. ऑलराइट, एंड फिर यहाँ पे प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव हो रही है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम देखेंगे, बट फिर फाइनली वो तुम्हारे रिसीवर तक पहुंच जाती है. और फिर जब वो रिसीवर पे पहुंचती है तो उसका रिसीवर का जो एंटीना है वो ईएम वेव को कैच करेगा, फिर एम्पलीफाई उसको करंट बनेगा, करंट को एम्पलीफाई करेगा, और ये जो करंट यहाँ पे बनेगा वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो मॉड्यूलेटर ने यहाँ पे बनाया. मॉड्यूलेटर सिग्नल को हम डीमॉड्यूलेटर से पास करके तुम्हारा ओरिजिनल जो मैसेज था वो करंट की फॉर्म में निकालेंगे, उसको एक और ट्रांसड्यूसर के अंदर फीड करेंगे जो तुम्हारा स्पीकर है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस साउंड में कन्वर्ट कर रहा है, तो अगेन अ ट्रांसड्यूसर वो मैसेज में कन्वर्ट कर देगा जो मैं बोल रहा हूँ. तो ये पूरा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक्स है, तो इस पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है अभी. ठीक है, बोर्ड्स के लिए ज्यादा जरूरी होता है जो चीजें हैं. पहली तो हमें प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, तो जो ईएम वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पहला तरीका इज ग्राउंड वेव, कि एक टावर से दूसरे टावर, एक एंटीना से दूसरे टावर एंटीना तक भेज दिया डायरेक्टली, तो दैट इज ग्राउंड वेव. ग्राउंड वेव यूज होती है जब फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज फ्यू मेगाहर्ट्स, मतलब 1, 2 या 3 मेगाहर्ट्स की है, तो हम उसको ग्राउंड वेव से भेज सकते हैं और हमारे ज्यादा डिस्टेंस नहीं भेजना है. ठीक है, सेकेंड इज कि स्काई वेव से भेजा. स्काई वेव इज बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी जो मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे वो 3 मेगाहर्ट्स से 30 मेगाहर्ट्स में लाई करती है, बट 30 मेगाहर्ट्स से कम है, तो मैं उसको स्काई की तरफ बाउंस कर सकता हूँ, मतलब सेंड कर सकता हूँ. और जो एटमोस्फेयर की एक लेयर है आयनोस्फेयर, वहां से लेयर रिफ्लेक्ट हो जाती है. जो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 30 मेगाहर्ट्स से कम होती है तो दैट ईएम वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फेयर, एंड फिर वो रिफ्लेक्ट करके हम कहीं और पहुंचे, तो इसके थ्रू हम ज्यादा डिस्टेंसेस कवर करते हैं. इज दिस क्लियर गाइस? तो दिस इज कॉल्ड द स्काई वेव. द अदर इज द स्पेस वेव. अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज से ज्यादा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जो ईएम वेव मैंने यहाँ पे भेजी है वो आयनोस्फेयर को क्रॉस कर सकती है, क्रॉस करके सैटेलाइट के पास पहुंच सकती है, सैटेलाइट वो सिग्नल कैच करके फिर आगे जहां पे भेजना भेज सकता है. या फिर मैं एक और चीज कर सकता हूँ, एंड द अदर थिंग इज लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, कि स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट अवे मैंने एक ट्रांसमिटिंग टावर से एक रिसीविंग टावर भेज दिया है. नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ग्राउंड वेव. ग्राउंड वेव इतना डिस्टेंस नहीं ट्रावल कर सकती, यहाँ पे हम डिस्टेंस कराने की कोशिश कर रहे हैं विच इज वेरी वेरी ह्यूज, ग्रेटर देन द होराइजन. तो तब मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो अगर मेरा एक ट्रांसमिटिंग टावर है एच टी हाइट का, एक रिसीविंग टावर है एच आर हाइट का, तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होगा मैक्सिमम जो हो सकता है टू मेंटेन अ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, दैट इज गाइस ये राइट एंगल ट्राइंगल्स को हम यूज करते हैं, ये डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिटिंग टावर फ्रॉम द होराइजन, ये हमारा होराइजन है बेसिकली. जहां तक अगर मैं देख रहा होता तो मुझे यहीं तक दिखता, मेरी आंख यहाँ तक ही दिख पाती. ओके, तो ये डी टी होता है और फिर ये डी आर होता है, डिस्टेंस ऑफ द रिसीविंग टावर फ्रॉम द होराइजन, और डी एम इज सम ऑफ डी आर एंड डी टी. बट मैं यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आई होप सबको पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करना आता है. तो डी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2HT, हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग टावर टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, प्लस अंडर रूट ऑफ 2HRRE, वेयर HR इज द हाइट ऑफ द रिसीविंग टावर टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ. तो ये हमें याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस. ठीक है, तो पहला सेट ऑफ क्वेश्चन इससे आ जाएगा. सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन जो आएगा हमारा मॉड्यूलेशन आएगा. मॉड्यूलेशन क्या होता है, यहाँ पे बस मैं जल्दी से ब्रीफली लिख देता हूँ कि वी डू नॉट सेंड मैसेज सिग्नल्स स्ट्रेट अवे,
हम सीधा ही नहीं भेज देते हैं उनको, हम क्या करते हैं गाइस, व्हाट वी डू इज वी सुपरइम्पोज, वी सुपरइम्पोज मैसेज इन अ हाई फ्रीक्वेंसी, इन अ हाई फ्रीक्वेंसी, यहां पे मैं लिख देता हूं कैरियर वेव, राइट, इन अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, कैरियर वेव। तो मेरे जो मैसेजेस होते हैं टिपिकली मैं देखता हूं, जैसे स्पीच सिग्नल हो गया वो होता है 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज का, म्यूजिक सिग्नल होते हैं 20,000 हर्ट्ज के, और जो वीडियो सिग्नल होते हैं 6 मेगाहर्ट्ज के, इनकी फ्रीक्वेंसी इज लो। ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम डायरेक्टली नहीं भेजते, इनको सुपर इम्पोज कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। क्यों, क्या रीजन है ऐसे करने के, फर्स्ट ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ द एंटीना, लेंथ ऑफ द एंटीना क्यों, क्योंकि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लैम्डा ज्यादा होगा, और जो साइज ऑफ द एंटीना हमारा होना चाहिए वो एटलीस्ट लैम्डा बाय 4 होना चाहिए, ऑलराइट। तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी कम है तो मेरा लैम्डा बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर मुझे बहुत बड़ा एंटीना बनाना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीस पॉइंट्स कि क्यों मॉड्यूलेशन करते हैं। फिर सेकंड चीज इज कि अगर मेरा एंटीना या फिर मेरी जो ईएम वेव है उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो वो जो पावर रेडिएट करेगा, पावर रेडिएट बाय एंटीना इज एल बाय लैम्डा का स्क्वायर, तो लैम्डा बढ़ जाएगा तो मेरी जो पावर रेडिएटेड है वो कम हो जाएगी। और पावर रेडिएट में कम नहीं करना था क्योंकि जो सिग्नल हमने यहाँ पे सेंड करा है वो धीरे धीरे डाई आउट करता रहता है, एटेन्यूएट करता रहता है, तो हम चाहते हैं कि ओरिजिनल जो सिग्नल हो वो बहुत स्ट्रांग जाए, तो इसीलिए हम लैम्डा कम से कम रखना चाहते हैं, फ्रिक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं। ऑलराइट, एंड द थर्ड रीजन इज कि मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स ना, कि अगर मैं कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स की बात करूंगा तो ओवरलैप होने का ज्यादा चांस है। अगर मैं कम फ्रीक्वेंसी, अगर मैं म्यूजिक भेज रहा हूँ तो दो गाने हैं 20,000 हर्ट्ज की रेंज में, तो वो ओवरलैप करने लगेंगे, एक गाना इस रेंज के अंदर बज रहा है और एक गाना इस रेंज के अंदर बज रहा है लीड से, तो ये ओवरलैप होने लग जाएंगे, इज दिस क्लियर। तो हम ओवरलैप नहीं जाते, तो हम क्या करते हैं कि इनको हायर फ्रीक्वेंसीज के साथ अटैच करते हैं, एक हायर फ्रीक्वेंसी और एक दूसरी हायर फ्रीक्वेंसी, और फिर ये वाला गाना इसके साथ बज रहा है और ये वाला गाना दूसरी हायर फ्रीक्वेंसी के साथ बज रहा है, मेबी 1 गीगाहर्ट्ज और ये 1.1 गीगाहर्ट्ज। तो अब इनके बीच में अप्रोप्रिएट स्पेसिंग हो जाती है, क्योंकि इनकी खुद की जो रेंज है वो 20,000 हर्ट्ज की है। ये थोड़ी देर में समझ आ जाएगा गाइस, जिसको अभी नहीं समझ आया है, बट ये तीन पॉइंट याद जरूर कर लो कि लेंथ ऑफ द एंटीना इज वन ऑफ द रीजंस, पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना इज वन ऑफ द रीजंस, एंड वी हैव टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स। नहीं तो दो रेडियो स्टेशंस अगर कैरियर वेव नहीं यूज करेंगे, मॉड्यूलेट नहीं करेंगे सिग्नल को, तो उनके गाने रेडियो तक पहुंचते हुए डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। ओके, तो हम जो स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसका मतलब क्या है कि हाइट, बेसिकली मैं लेमन टर्म्स बोलूं कि हाइट द मैसेज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में छिपा दो उसको। तो अगर मेरा मैसेज ये है कि मुझे जो मैसेज भेजना है दैट इज ए एम साइन ऑफ ओमेगा, तो मैं क्या करूंगा, एक कैरियर वेव चूज करूंगा एसी साइन ऑफ ओमेगा सी टी, जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि ओमेगा सी शुड बी ग्रेटर देन, मच मच ग्रेटर देन ओमेगा एम। कि अगर ओमेगा एम 1 मेगाहर्ट्ज का है तो मे बी ओमेगा सी 1 गीगाहर्ट्ज का हो, 1000 मेगाहर्ट्ज। मैंने यहाँ पर बस ये दिखा दिया कि ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ एस फ्रीक्वेंसी, एंड इनके बीच में रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, बट आई होप ये सारी चीजें पता ही है। एंड जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो मैं बोला था कि छुपा देते हैं एम्पलीट्यूड में, तो उसका मतलब ये है कि ये मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है कैपिटल एम टी, और इसके अंदर मैंने क्या करा है कि बस जो मेरी कैरियर वेव थी उसके एम्पलीट्यूड के साथ मैंने मैसेज को ऐड कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड भी विद टाइम चेंज करेगा, एम्पलीट्यूड विल बिकम फंक्शन ऑफ टाइम। तो कुछ टाइम्स पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा जब ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, और कुछ टाइम्स पे एम्पलीट्यूड घट जाएगा जब ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड वेरी करेगा विद टाइम, बट ये जो ऑसिलेशंस हैं वो अभी भी यही चीज गवर्न करती है ओमेगा सी।
बस क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो रहा है, तो अगर मेरा मैसेज जो था वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ऐसा है एंड मेरी जो फ्रिक्वेंसी थी कैरियर वेव की वो काफी ज्यादा है, तो बहुत सारी साइकिल्स कर लेगी उसी टाइम के अंदर और वो ऐसी दिखती है। तो जब मैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करूंगा कैपिटल एम की, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि ऑसिलेट, तो वो जो ये जो साइकिल्स दिख रही है इंडिविजुअल जो साइकिल्स हैं गाइस, वो उतनी ही तेजी से ऑसिलेट कर रही है जितनी तेजी से कैरियर वेव कर रही थी, बट इसका जो एम्पलीट्यूड है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट था, इसका एम्पलीट्यूड विद टाइम वेरी कर रहा है और कुछ टाइम से बढ़ जा रहा है कुछ टाइम से कम हो जा रहा है। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज ए सी प्लस ए एम, और जो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है वो आ जाएगा ए सी माइनस। तो ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और इसको हम भेजेंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो इसके साथ कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। सेकेंड थिंग इज, अगर मैं यहाँ पे ये मैसेज सिग्नल जो लिखा हुआ है मैंने, इसकी ये जो इक्वेशन है सॉरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है दैट इज ए सी प्लस ए एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी टाइम्स ओमेगा सी टी, इसके अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस ए एम, मिस कर दिया मैंने, ए एम साइन ऑफ, दो मिनट लेट मी मेक द करेक्शन है, ए एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी, तो ए एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी इन टू साइन ऑफ ओमेगा सी टी आ जाएगा गाइस। और अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा लेता हूँ थोड़ी सी, तो दैट विल बी ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस ए एम बाय टू कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी माइनस ए एम बाय टू कॉस ऑफ ओमेगा, सॉरी यहाँ पे पहले में माइनस आएगा गाइस, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम माइनस कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो ये मेरी तीन अलग अलग साइनोसॉइडल फंक्शंस में टूट गया, जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल या फिर जो हमारा अमेजिंग सिग्नल था जिसके अंदर हमने मैसेज हाइड करना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इसके अंदर मुझे बेसिकली तीन अलग अलग वेव्स भेजनी है, ये तीन वेव्स, एक वेव की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी, एक वेव की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और एक वेव की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो व्हाट आई वांट टू से हियर इज, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के शेयर कर देता हूँ आपके साथ, तो बेसिकली जो मैं सिग्नल भेज रहा हूँ उसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ द एएम सिग्नल क्या है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी क्या होगी गाइस, ओमेगा सी के अराउंड है ना, ओमेगा सी से ओमेगा एम कर दिया और ओमेगा सी से ओमेगा एम बढ़ा दिया, तो मेरी जो वो आ जाएगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखता हूँ तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो वो जाएगा एफ सी प्लस एफ सी माइनस एफ एम से लेके एफ सी प्लस एफ एम तक, इस रेंज के अंदर मुझे अपने सिग्नल को भेजना होता है अगर मैं ए एम वेव भेज रहा हूँ। तो मेरी जो बैंडविड्थ होती है, दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस बैंड एंड दिस इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द बैंड। तो अगर मुझे रेंज पता होती है कि मुझे इस रेंज के अंदर सिग्नल भेजना है, तो हम एक नई क्वांटिटी भी बोल देते हैं, व्हाट इज द बैंडविड्थ, and bandwidth is always the highest frequency in the band minus the lowest frequency in the band. I hope this is clear. So AM signal के लिए range हमें याद आएगी highest minus lowest, तो ये क्या आ जाएगा FC plus FM minus FC minus FM, इसको solve करके क्या आ जाएगा two times FM. तो bandwidth of my amplitude modulated wave is basically, ये चीज याद रखते हैं, two times the frequency of the message, जो भी हमारे message की frequency है that times two, that is the bandwidth of the, और याद रखना bandwidth is the highest frequency in the band minus the lowest frequency in the band, ठीक है। एक last चीज जिस पे हम focus करते हैं कि हमारा जो भी हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पूरा विजुअली जो पहले भी शो कर दिया था, बेसिकली हमारा जो ये डी मॉड्यूलेटर वाला पार्ट होता है कि ये मेरा मैसेज सिग्नल आया, और फिर जो मेरा डी मॉड्यूलेटर क्या करता है, ये डी मॉड्यूलेशन वाला पार्ट है। डी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, बस वो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव है यहाँ पे अगर मैं फोकस करूँ, इसको गायब कर देता है और जो भी टाइम एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है उसको उठा लेता है, उसके एनवेलप जो है यहाँ पे, ये जो एनवेलप, तो बेसिकली डी मॉड्यूलेशन
क्या करता है, जस्ट पिक्स दी एनवेलोप, ऐसा कुछ अगर मैं विजुअली, तो जो मेरी एनवेलोप कैप्चर हो रही है वो ये वाली हो रही है, और आप देख सकते हैं कि जो मेरा मैसेज सिग्नल था उसकी शेप ये थी, और जो मेरी एनवेलोप है उसकी शेप भी यही आ रही है। तो मैंने अपना डीमॉड्यूलेट करके अपना ओरिजिनल मैसेज एक्सट्रैक्ट कर दिया है। बट अगर ये कर दिक्कत हो जाती है मेरे कि अगर एसी एम से छोटा हो जाता तो एसी प्लस एम तो पॉजिटिव रहता, बट एसी माइनस एम, ये जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पे गाइस, इस केस में ये वाली वैल्यू, ये नीचे चली जाती ग्राफ के अंदर, और फिर मेरा ग्राफ कुछ अजीब सा ऐसा दिखने लगता। और फिर जब मैं अपने डीमॉड्यूलेटर के थ्रू पास कराता तो जो डीमॉड्यूलेटर एनवेलोप एक्सट्रैक्ट करता वो मेरे मैसेज सिग्नल जैसी नहीं दिखती, वो कुछ रैंडम दिखती। तो फिर मेरा जो एक्सट्रैक्टेड सिग्नल है दैट इज नॉट माय ओरिजिनल मैसेज, जो मैंने मैसेज भेजा था वो मेरा एक्सट्रैक्टेड सिग्नल से मैच नहीं कर रहा है, तो मेरे पास जो फाइनल मैसेज आएगा वो डिस्टॉर्टेड आ रहा होगा। तो हमें क्या मेक श्योर करना है कि ये चीज ना हो, तो मुझे क्या मेक श्योर करना होता है कि एसी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इसके लिए मैं एक नई चीज डिफाइन कर देता हूं विच इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। Modulation index is the ratio of the amplitude of the message signal divided by the amplitude of the carrier signal, and that should always be less than equal to 1 for proper message recovery. अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो बस इसको याद रखने चले जाओ कि modulation index which is AM by AC should be less than 1. ठीक है guys, this is all the theory जो exam perspective exam के relation में हमें पढ़नी है, exam perspective से important है। तो जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं कि पहले तो प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव से जो क्वेश्चन आता है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, कि ट्रांसमिशन टावर हैज अ हाइट ऑफ 140 मीटर्स एंड द हाइट ऑफ द रिसीविंग टावर इज 40 मीटर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच सिग्नल्स कैन बी ब्रॉडकास्टेड इन लाइन ऑफ साइट मोड। और अगर याद होगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला लिखा था 2HTRE प्लस अंडर रूट ऑफ 2HR RE, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, या फिर आई होप ये दिख रहा है कि RE और RE तो बाहर ही आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ RE टाइम्स, ऐसा कुछ कर देता हूँ, अंडर रूट ऑफ 2H प्लस अंडर रूट ऑफ 2HR, बट ठीक है ऐसा नहीं करते हैं, पहले वैल्यूज डाल देते हैं फिर करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा गाइस यहाँ पे, जब मैं वैल्यू डालूंगा 2, height of the transmitting tower was 140 meters into radius of earth is 6400 kilometers, so meters mein convert karenge to 10 to the power 3 aata hai, plus 2 under root of 2 into height of the receiving tower into phir se radius of earth into 10 to the power 3। So guys I hope yahan pe dikh raha hai 6400 ka jo square root hai wo to 80 hoga, aur yahan 10 to the power 3 mein se 100 utha ke bahar le aunga, to mere paas basically ye cheeze aa jayengi baat 80 into 10, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर पहले वाले के अंदर बचेगा 2800, 110 यहां से और ये 2, ये आ जाएगा प्लस 80 into यहां से 10, तो अंडर रूट ऑफ 800 आ जाएगा गाइस, और सब कुछ मीटर्स के अंदर चल रहा है, तो दैट विल बी 800 मीटर्स into स्क्वायर रूट ऑफ 2800 which is approximately 52.9 प्लस यहां पे ये जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 800 गाइस, 2√2 का जो स्क्वायर रूट, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये मेरे पास आ जाएगा 28.2 के अराउंड आ जाएगा, और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 8 × something like 81.1 which will be approximately equal to 65 kilometers। और ये कैलकुलेट कर सकते हो, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 65 किलोमीटर आएगा, बट आई होप द मेथड इज क्लियर। और तो आई ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा कि मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, ये जो हमने एएम वेव की बात करी थी और हमें किस रेंज में भेजनी होती है वो वाली चीज, तो द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एएम रेडियो स्टेशन इज 250 किलोहर्ट्ज व्हिच इज 10% ऑफ द कैरियर वेव। मेरे पास जो मैसेज जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इज 250 किलोहर्ट्ज, एंड जो मेरे कैरियर वेव है दैट इज बेसिकली हमें दे रखा है कि ये जो ओमेगा एम है दैट इज जस्ट 10% ऑफ ओमेगा सी, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ओमेगा एम इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स ओमेगा सी, या फिर ओमेगा सी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ओमेगा,
एंड ओमेगा सी की वैल्यू आ जाएगी 10 टाइम्स जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 250 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख लेता हूँ, ओमेगा की टर्म में फायदेमंद नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख लेता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज 10 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज व्हिच इज 250 किलो हर्ट्ज, दैट इज इक्वल टू 2500 किलो हर्ट्ज। एंड गाइस जो मेरी ब्रॉडकास्टिंग रेंज होगी वो होती है एफ सी माइनस एफ एम से लेके एफ सी प्लस एफ एम। मैंने पहले भी बात करी, मेरी ब्रॉडकास्टिंग जो रेंज हो जाएगी वो जाएगी 2250 किलो हर्ट्ज, 2500 माइनस 250 कॉमा 2500 प्लस 250, तो ये मेरी रेंज हो जाएगी। तो इस रेंज के अंदर अब मैं जो भी दूसरा चैनल रजिस्टर करूंगा मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि जो भी मैं ब्रॉडकास्ट करूं वो इस रेंज के साथ ओवरलैप ना, दैट इज द गोल। तो अगर मैंने अपना ब्रॉडकास्टिंग कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ए ऑप्शन रख दिया तो फिर मेरी जो रेंज आ जाएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, मैं हर ऑप्शन की रेंज उसके साथ नीचे ही लिख रहा हूँ, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज हो जाएगी दैट विल बी 2500 से 3000। यहाँ पे गाइस ओवरलैप हो रहा है, देख रहे हो 2500 से ये 2750 तक, 2750 तक दोनों के अंदर सेम है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। सेकंड में जो मेरी कैरियर वेव है दैट इज 2900 किलो हर्ट्ज, इसके लिए जो मेरी रेंज हो जाएगी वो जाएगी 2900 माइनस 250 व्हिच विल बी इक्वल टू 2650 से लेके 3150 250 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 250 ऐड कर दिया तो ये रेंज आ जाएगी। अगेन मैं देख सकता हूँ कि ये वाली जो रेंज है और इस वाली जो रेंज में ओवरलैप है, 2650 से 2750 दोनों रेंज में लाइक करें तो ये भी ऑप्शन आ सकता है। फिर वेट अबाउट 2250 देखता हूँ तो इसके लिए जो रेंज आ जाएगी दैट विल बी 2000 से लेके 2500, 250 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जो हमारा मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी थी 250 किलोहर्ट्ज, तो यहाँ पे ये आ गया 2000 से 2500, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फिर से ओवरलैप आ रहा है 2000 से 2250 इसमें भी लाई कर रहा है और सॉरी 2250 से 2500 इसमें भी लाई कर रहा है और इसमें भी लाई कर रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बाय डिफॉल्ट डी ऑप्शन हो गया, बट चेक करें डी के अंदर क्या अमेजिंग हो रहा है। डी के अंदर जो है रेंज हमारी 1750 से 2250 है गाइस। अब हम देख सकते हैं कि इसकी शुरू 2250 से हो रही है, इसकी खत्म 2250 पे हो रही है, तो ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, नो ओवरलैप, तो दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट गाइस, सो आई होप गाइस ये सारी चीजें क्लियर है आपको। सो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम कर सकते हैं, देयर आर अ फ्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आप अलग से कर लेंगे, दे आर इजी इनफ, बट आई होप ये जो सेशन था दैट वॉज बेनिफिशियल। सो गाइज अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, बिकॉज हमने बहुत पेस से सारी चीजें करी हैं, और यू कैन रेफर टू योर एनसीईआरटी। बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।